फिर मैं स्टार्ट। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। Shall we start or wait a little? I think we should take a start, I guess, mere khayal se. Beer cap is visible or not? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. I welcome all of you on the open house, virtual open house of Asafa Degree Program 2020 with prestigious teachers of Asafa Degree Program, Sheikh Atif Ahmed, Ustaz Waqi Ali, Ustaz Arsalan, and me, myself, Adil Arfi. इस पूरे ओपन हाउस का जो मकसद है, जो पर्पस है, जो मैं व्यूअर्स को बताते चलूं, वैसे तो अक्सर लोग जानते ही होंगे, इसका जो मकसद है, पर्पस है, दैट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। इसमें हम कोर्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, इसकी तारीख क्या है, हमने स्टार्ट किस तरह किया। इंशाल्लाह हम शेख आतिफ की जबानी हम सुनेंगे क्योंकि उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है, उन्होंने कोर्स डेवलप किया बाकी असातिज़ा के साथ, एंड ही इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दरस निज़ामी, जो पढ़ा रहे हैं मॉडर्न डे टेक्निक्स के साथ, इंग्लिश ब्लेंड के साथ, और दरस निज़ामी को किस तरह 8 साल से 4 साल 2 साल के अंदर एक पाथवे के हैसियत से कन्वर्ट किया कि जो हम मदारस के अंदर कोर्सेज पढ़ते हैं वो मॉडर्न डे के अंदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स और बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग किस तरह वो इल्म हासिल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस पे, तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट सेशन, जिसमें मैं सवाल करूँगा शेख आतिफ से और बाकी असातिज़ा से। तो शेख आतिफ, कैन यू हियर मी? यस, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आदिल? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक माशाल्लाह से पाकिस्तान की कसीर तादाद आपको यहाँ पे सुन रही है, और माशाल्लाह असफ़ा के करंट स्टूडेंट्स भी हैं, और जो है वो जो स्टूडेंट्स बनने वाले हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपके जो भी जुमले इंशाल्लाह आज यहाँ पे आप इरशाद करेंगे वो सबके लिए इंशाल्लाह कन्विंसिंग होंगे, एंड आई होप कि आपके जिस तरह आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिस तरह आपने हमें मोटिवेट किया, जिस तरह आपने और लोगों को मोटिवेट किया, आज असफ़ा के बारे में आपके जो ख्याल होंगे वो इतना इंशाल्लाह पुरंदाज होंगे कि लोगों की जिंदगी में जरूर असर करेंगे। तो पहला सवाल जिससे हम अपनी इस पूरी सेशन को हम आगाज करेंगे, ये है कि हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है 3-4 साल के अंदर, और फिर 16 साल की उसकी एजुकेशन है स्कूल की, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल का बैचलर्स है, फिर मास्टर्स है, फिर वो एक जॉब पर चला जाता है। दिस इज़ अ सिंपल यू नो वे ऑफ स्टडीज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड के इस तरह बच्चा जो है वो 16 साल या 20 साल की एजुकेशन लेके जॉब इंडस्ट्री में चला जाता है। इसके बीच में बच्चे जो है मदारस के अंदर जाते हैं नाजरा कुरान पढ़ने के लिए 1-2 साल 3 साल, कुरान का एक अगर पूरा गो थ्रू कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने का इतना मौका तो नहीं मिलता। इसके बीच में ये ख्याल कहाँ से आया कि लोगों को जो है वो इसकी तरफ रागब करना है कि दरस निज़ामी जो है, जो एक आलिम जिस कोर्सेज से गुजरता है तफसीर से, हदीस से, फिक्र से, एक आम अवाम नास के अंदर, लोगों के अंदर इसकी इसकी जो है वो अहमियत को जागर करने के लिए इसके पीछे क्या सोच है, हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं। अहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें, असल में मैं ये समझता हूँ कि जब मैं खुद भी पढ़ रहा था और जब मैंने इस सिलसिले को शुरू किया, तो मैंने पहली चीज़ जब 1 साल की जब मैंने थोड़ी जो कुछ किताबों से मैं गुज़रा, जो ये दीनी शरी उलूम के कोर्सेज़ हैं, तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि ये तो एक ऐसा ख़जाना है, ये तो एक ऐसी लीथल नॉलेज है जिससे मुसलमान और एक इंसान जो है वो
इतना कोई पावरफुल हो सकता है कि उसका कोई उसकी कोई नज़ीर ही नहीं है, कोई इसकी मिसाल ही नहीं है। जब मैं बाहर भी पढ़ता था और जब मैं अमेरिका से भी पढ़ के अपना आया, तो उस वक़्त उसकी एजुकेशन का जो भूत सवार था और जो ये वेस्टर्न रिसर्च का इतना हमारे ज़माने में एक वक्त था, तो मेरे अंदर हमेशा से ये थी कि जी बस सब कुछ इन्होंने ही किया हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ तो दीनियात होती थी क्लास के अंदर, स्कूलों के अंदर, और वो भी इस्लामियात और दीनियात, ओ लेवल्स में हो या मैट्रिक में हो, वो कैसे पढ़े जाते हैं वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है, उसमें क्या संजीदगी होती है और क्या उसके कंटेंट की तरफ हमारा एक एक हमारा जो बेंड होता है वो सबको पता है। लेकिन जब मैंने मदरसे में पढ़ना शुरू किया और जब मैंने उलमा के साथ इंटरेक्शन की और जब मैंने इसकी जो गहराई देखी या डेप्थ फील की, तो आई थॉट एट दैट टाइम के ये तो अवाम में आना चाहिए, ये हक है कि ये अवाम में आना चाहिए। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरे चैलेंजेस क्या होंगे, कि यूनिवर्सिटी क्या है, HSE क्या है, ब्लेंड क्या होता है, लैंग्वेज प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कंसाइज कैसे करना है, तो करिकुलम कैसे बनेगा, ये मेरी कोई सोच नहीं थी आज से 10 12 11 साल पहले। मेरे जेन में एक दिल में एक हल्का सा ख्याल था कि अगर मुझ जैसे एक बिल्कुल ही एमेच्योर को, और आज भी मुझे कुछ ज्यादा चीजें नहीं आती, लेकिन मुझे मैं इससे इतना इम्प्रेस हुआ और मुझे इससे इतना फायदा हो रहा है और मुझे ये समझ में आ रही है कि शरीयत की एक फ्रंट एंड मैकेनिज्म है, एक बैक एंड मैकेनिज्म है उसका, एक उसूल है, एक प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू एक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग निकलती है, और वो सोल्यूशन कितनी यूनिवर्सैलिटी रखती है अपने अंदर और वो कितनी चीज़ों को केटर करती है, फिर उसमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है, फिर एक उसमें एक माइक्रो पर्सपेक्टिव होता है, एक जुजियात होती हैं, फिर कुलियात होती हैं, एक मैक्रो कवायद होते हैं शरीयत का, एक माइक्रो के अंदर स्पेसिफिकेशन में जाके वो किस तरह लेवरेजेस निकाल रहा होता है। मैं तो उस टाइम पर इतना ही हिल गया कि इतनी डेप्थ है हमारे दीन के अंदर, एक एक लफ्ज के ऊपर जो है 1400 साल के ऊपर, एक एक लफ्ज के ऊपर 15 15 सफ़ों की, 15 1500 सफ़ों की बहसें हैं, तो ये कहाँ छुपा था खजाना, ये कहाँ थी ये चीज़, और क्यों नहीं ये प्रोवाइड की गई हमें, ये खानदानों से भी क्यों नहीं मिली। और जो हम जब उस वक्त दीन पे भी जब अल्लाह हमें ले गया, तो उस वक्त तहरीकें भी थी और बहुत सी तहरीकें गर्म थी उस टाइम पर, मगर ये चीज़ नहीं मिलती थी। जो मदारिस का मेन कंटेंट है जहाँ एक आलिम दीन तैयार होता है, वो कभी भी नहीं किसी जगह पे मिलता। जो अभी इस पर आप मेरे ख्याल से बात भी करेंगे, जिस पर आप सारे लोग गुजरे, आप सारे बच्चों ने फिर जिंदगियां गुजारी, आपने भी इल्म पढ़ा और आप भी फिर मैदानों में आए और अब आगे चले, ये सवाल तो मैं आपसे करता हूँ कि क्या आपको नहीं फील होता था जब हमने आपके सामने थोड़ी बहुत चीजें खोली कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है शरीयत का, ये मैकेनिज्म है, ये उसका फ्रंट है, ये उसका बैक है, ये उसकी डेप्थ है, ये उसकी वसअत है, ये उसकी एप्लीकेशन है, उस वक्त तो आप लोग भी हिल गए होंगे। लेकिन क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र उन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस वक्त नहीं होगा, लेकिन मैं तो क्योंकि जब नहीं बड़ी उम्र में आया। आदिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? जी, बिल्कुल ऐसे ही है शगातिब। जब मैं आपके पास आया, I was just 15 years old at that time, हाँ, तो तो उस मैंने वक्त यही उस वक्त उम्रें थी अपनी लिहाज से, वकील साहब थे, अरसलान साहब थे, जो भी थे, लेकिन उस वक्त जो था, जब मैं जब उस वक्त नया नया था, ये 15 साल पहले 14 साल पहले, तो मेरी यही सोच थी कि इसको लाना चाहिए, ये नहीं पता था कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए तो ये 250 साल 200 साल से बरे सगीर में जो एक रिवायती अंदाज स्टैब्लिश था और उसी से ही इल्म आलिम तैयार होता था, और पहले तो सफर कर करके उलमा तैयार होते थे। ये कभी भी ये बात की बहस हुई, लेकिन एक माइनर ख्याल जरूर था कि मुझे इसको किसी ना किसी तरीके से अपने घर वालों को, अपने हल्के के लोगों को, अपनी सोसाइटी के फैसेट को और अपने सेगमेंट के लोगों को लेके आना चाहिए था। और मेरे ख्याल से वो ऐसे आयत भी है सूरह तौबा की, फलाउला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलाउला नफरा मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क्क़हू फ़ीह। कि क्या तर्जुमा बनेगा इसका, आप ही बताएं। हर ग्रुप में से, हर फैसेट में से लोग क्यों नहीं होते जो एक जो फिका हासिल करें, डेप अंडरस्टैंडिंग हासिल करें फलाउला नफरा उनकी। मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा, क्यों नहीं हर हर फिरके, फिरके से मुराद है सोसाइटी के हर सेगमेंट में से एक स्पेशलाइज ग्रुप क्यों नहीं निकाला गया, लिया तफक्को फिर दीन, जो दीन का इन डेप्थ नॉलेज और तफक्को फिर दीन सीखते, जो एक आम लोगों का काम नहीं है, वो हायर बेंचेस का काम। तो मदारिस ने तो ये जिम्मेदारी मारे खा के गुर्बतों के अंदर, आज हम उनके ऊपर बातें करने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए होंगे, लेकिन अगर कोई मदरसे की गया है और उनके अंदर की तकलीफें देखता होगा, तो वो ये जानता होगा कि ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने इतनी मुश्किल हालात के अंदर इसको किया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जी वो इससे बेहतर हो सकते थे या वो परफेक्शनिज्म पे जा सकते थे, लेकिन तनकीद करना बहुत आसान काम है। उन्होंने होल्ड बैक किया, उन्होंने मेहनतें रखी, उन्होंने उस रिवायत को कायम रखा और कम पैसों में, बल्कि बगैर पैसों और वसाइल के भी, जिस तरीके से मदारिस ने अपना एक काम पेश किया है, इसको बिल्कुल ही डिमीन करके, डिरेल करके कह देना कि जी यहाँ पर एक
دہشت گردی نعوذ باللہ صرف تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوگا, میں یہ اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ایکسٹریم سوچوں والی سوچ نہیں ہوگی, لیکن جو ایک اوور آل اسٹرکچر ہے انہوں نے تو بہت خدمت پیش کی ہے, بڑا انہوں نے اپنا کام پیش کیا ہے. تو میں نے اس وقت یہ میرا بنیادی سوچ تھی کہ بھئی یا تو ان کو وہاں لے کے جائیں یا پھر ان کو یہاں لے کے آئیں, یہ میرا بنیادی سوچ تھی اس ٹائم. اور اس پر اب آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو آپ سوال کریں. اور میں لے یہ بھی اور یہ اس لیے بھی کہ جب لوگ جو ہیں صحیح ہے ایک جو ہے وہ مدارس کا ایک سسٹم ہے, ایک کافی عرصہ چل رہا ہے اور کافی نی کنٹریبیوشنز ہیں, جو لوگ بلیم کرتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے مدارس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے اس طرح پریزنٹیشن نہیں ہے, تو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا مجھے آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ بیٹا تم کر لو جو چیز تمہیں صحیح نہیں لگتی, جو چیز تم چاہتے ہو کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے. ہر انسان کا ڈفرینٹ مائنڈ ہوتا ہے, ہر انسان کا ڈفرینٹ ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ برنگنگ اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. اب اگر ایک میری سوچ ہے تو آپ نے اس میں جواب دیا تھا کہ بیٹا تم کر لو جو تم دیکھنا چاہتے ہو, تبدیلی یا پازیٹیوٹی یا کوئی چینج دیکھنا چاہتے ہو وہ تم خود بن جاؤ. تو اس لیے آپ نے گائیڈ کیا تھا کہ بھئی مدرسے جاؤ اور مدارس سے یہ علم سیکھو جو کہ وہاں پہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس کے اس پر وکی کی بھی ایک رائے لیتے رہا, کیونکہ اس کے بھی 8-10 سال تو ان کے بھی لگے ہوئے ہیں. جی جی کیا کہنا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہم اس پر بعد میں وکی بھائی ہم اس پر بعد پہ آگے جائیں گے کہ میں نے اس کو انیشیٹ کیسے کیا, لیکن جو لانے کی ضرورت تھی اور جو اس کے اوپر جو تنقید کی جاتی ہے ایک سسٹم کے اوپر اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میں اس میں جو ہے ایک اپنا جو کسن چپن کروں گا وہ یہ کہ ایک دفعہ میں کریکولم ڈیزائن کر رہا تھا عربک گرامر کا, تو انیشیل جو صفحہ کے ہمارے جو مینولس بنے پھر جو بھی ہم نے ٹیکنکس میں اپلائی کی تو ڈفرینٹ بکس کو جو ہے نا میں بائی کر رہا تھا ڈفرینٹ پبلشر سے, تو ایک مجھے بڑی اچھی سی ایک جو ہے نا بک ملی اور بڑا اچھا اس کا پیٹرن تھا, بڑے طریقے کی بنی ہوئی تھی, لیکن اس کے فرنٹ پیج کی جو ایک ٹیگ لائن تھی وہ آج تک میں سوچتا ہوں اپنے پرسپیکٹو سے یا جس سوسائٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں سے, کہ اس پہ لکھا ہوا تھا عربک گرامر یا واٹ ایور جو بھی ایکس وائی زی اس کا نام تھا اس بک کا, اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا آسان فہم اسلوب میں تدریبات کے ساتھ. اب میں وہ کتاب لے کے آیا تھا یا پھر میرا جو پرسپیکٹو وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کریں جو بالکل اس سوسائٹی کے طبقے کے لیے ہو جو بالکل اسٹریس سے ہے نا اس چیز کو شروع کر رہے ہیں. اب وہ بک ایسی تھی جو بالکل اس کو زیرو لیول کہے ہیں یا پھر لیول ون کہہ لیں, تو وہ ایک انسان جب اس بک کو پڑھ رہا ہے اس کا ٹیک لائن کہتا ہے جب میں نے یہ ورڈ سنا آسان فہم اسلوب میں تدریبات کے ساتھ, تو میرا دماغ وہیں پہ جو ہے نا رک گیا. میں نے کہا مطلب جب آپ ٹیک لائن میں کہہ رہے ہیں کہ تدریبات کے ساتھ, مطلب ٹیک لائن کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پھر مجھے وہاں سے آہستہ آہستہ اندازہ ہوا کہ مطلب چیزیں, میں بلیم نہیں کر رہا کسی کو, اور یہی بات جو ابھی پہلے بھی کی گئی کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی یا پھر ہمیں بہت مشکل لگی, اور انسان ہمیشہ سے یہی کرتا ہے یا ایک استاد ہمیشہ سے یہی کرتا ہے اپنے کریکولم کے ساتھ اپنی ٹیکنیکس کے ساتھ, کہ جو چیز اس کو بہت سالوں میں سمجھ میں آئی ہو وہ اگلوں کو جو ہے نا 10 منٹ کے اندر سمجھا دیتا ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اذن سے اللہ کے رحم سے صفوہ کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز یہی ہے کہ اس کے جو اساتذہ ہیں شیخ ہو گئے آپ ہو گئے باقی جتنے بھی ہیں مطلب جو بہت مارے کھا کے, مطلب جیسے میری ایک ہمیشہ سے ایک میرا نائٹ میئر رہا تھا شروع میں عربک گرامر کا کہ مجھے یہ فتح غمہ یا حرکات اور اعراب کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے تھے, اور 6 مہینے تک میں پڑھتا رہا سر مارتا رہا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حرکت میں اور جو ہے نا اس کی حالت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے, ایک ٹیکنیکل بحث ہے. تو اس کو جب 6 مہینے گزرنے میں ایک کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو جب اللہ تعالیٰ نے بعد میں چرچ صدر کیا تو اس کو پھر ہم نے اتنے آسان طریقے سے لے کے آئے کہ اس کو 10 منٹ لگتے ہیں اگلے کو سمجھانے کے اندر کہ حالت کے اندر اور حرکت کے اندر کیا فرق ہے. تو یہی میں سمجھتا ہوں صفوہ کے کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ ہے وہ یہی ہے. اس پر ہم بعد میں آتے ہیں عدیل بھائی اور وکیل بھائی, ہم اس پر بعد میں آتے ہیں کہ پھر ہم نے کریکولم, ہم تو پہلے اس سے سٹارٹ لے رہے تھے کہ ریزن یہ تھا کہ میری یہ بنیادی سوچ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ویسٹ کے پاس بڑی تھنکنگ پاور ہے, ہوگی, ان کا بڑا ریسرچ ہے, ہوگا, ان کی بڑی لیبز ہیں, ہوں گی, ان کا ایک بڑا مزاج ہے اکیڈیمک, ہوگا, منکر نہیں ہم, ان کے بڑے پی ایچ ڈیز ہوں گے میں اس کا بھی منکر نہیں ہوں, انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی, ہم مانتے ہیں, انہوں نے ایکسپیریمنٹیشن کی, ہم اس کے بھی منکر نہیں, انہوں نے مشاہدات کیے, ہم اس کے بھی منکر, اس پر انہوں نے پرنسپل اور اصول بنا لیے, ہم اس کے بھی منکر نہیں ہیں. لیکن میں اس چیز کا سب سے بڑا دائی تھا اور اس چیز کا ماننے والا تھا کہ بھائی ہم بھی تو ہلکے نہیں ہیں, ہمارے پاس بھی تو کم علم نہیں تھا,
हमारे हमारी बड़ों भी के पास लेगेसी है एक। एक लेगेसी तो एकेडमिक्स की है ना हमारे पास। अब सवाल ये है कि एक जमाने में मुसलमान अपने उलूम को जो है वो असरी मैदान, अब सॉरी असरी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल मैदानों के अंदर अप्लाई कर रहे होते थे। उन उसूलों से जिंदगी के बहुत से कुछ मामला सॉल्व होते थे। और इस्लाम जो था वो बड़े बड़े कद आवर स्कॉलिस्टिक थिंकिंग बेंच की बेसिस पर और स्कॉलिस्टिक टैंक्स की बेसिस के ऊपर मसाइल के हर तो हर तबके को सोल्यूशन देता रहा है और आज भी दे रहा होगा। लेकिन जो रविश आ गई वो ये आ गई कि ये आइसोलेट कर दिया गया, थोड़ा सा सिक्लूड कर दिया गया, इस लिहाज से कि ये खास तबके के लोगों ने इसको करना है। और पूरे माशरे के अंदर जो इसकी एक डायनेमिक पावर थी, इसको डाइवर्स पावर थी, इसको एड्रेस करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको हट गई, वो कोने में रख। इसलिए जब हम पहुंचे देखने के लिए और हमने जब बुनियादी बेसिक्स पढ़ी कि भाई ये उसूल फिक्र क्या है, ये उसूल हदीस क्या है, ये उसूल तफसीर क्या है, उसूल फतवा का फन क्या है, फतवे की क्या डायनेमिक्स है, किस तरीके से एक 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 ज्यूरिस्ट जो होता है, एक एक मुस्तहिद किस तरीके से जो है वो मसाइल में जाता है, फिकुल वाकिया क्या होता है, नस क्या होती है, ये मसाइल जब हमने देखे तो हमने कहा ये मार्केट क्यों नहीं हुई, इसकी सेलिंग प्रॉपर क्यों नहीं, क्यों नहीं हमारे जैसे के अंदर ये मरूबी जो हमारे अंदर एक मरूबियत आ गई कि भाई सब उनका है। हम नहीं, हम मुनकर नहीं है कि भाई उनके बारे रिसर्च नहीं है। अभी हैंड राइटिंग से साइकोलॉजी के बारे में कैसे पता चलता है, इस पर उनका पीएचडी का रिसर्च आ गया होगा, अभी आया रिसेंटली उन्होंने बहुत होंगे इटली के अंदर दो उन्होंने किए हैं कोई 3,000 स्पेसिमेन। हम कहते हैं यार हमारे वाले क्या मुजरब तजुर्बात नहीं कर रहे होते थे क्या, कुरान और सुन्नत ने पूरे 3 बर्रे आदमों को सोल्यूशन प्रोवाइडिंग नहीं की थी। तो उसलिए मेरी पहली सोच ये थी कि भाई इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैदान में लाया जाए, इसको मार्केट किया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि भाई जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कोई हल्के फुल्के लोग नहीं है। आज लोग खड़े होते हैं 2 मिनट के अंदर एक एक अहले इल्म को जो है वो डिमीन करते हैं या 2 रुपए, ये कोई मजाक बात है कि उस तो उसने वैसे ही 54, 40, 50, 70 किताबें उसने वैसे हिफज की होती हैं, फिर इतनी मारें, फिर इतनी सादगी, फिर इतनी आजी, और फिर सिस्टम के अंदर सबसे लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है एक प्रॉपर आलिम, उसके कोई खर्चा ही नहीं होता, वो बेचारा उस पर पहले ये बोझ डाल दिया जाता है कि भाई तूने सादगी से जिंदगी गुजारनी है क्योंकि तू आलिम दीन है तो तू खर्चा भी नहीं कर सकता, तेरी बीवी का भी खर्चा नहीं है, तेरे बच्चे भी ऐसे कहेंगे, और तूने माशरे में बिल्कुल आवाज भी नहीं करनी, चू भी नहीं करनी, और सिस्टम को तूने हल देना, और अगर तू हल नहीं दे सका तो हम तनकीद का पूरा बाजार तेरे खिलाफ ही गर्म करेंगे कि तुम्हारी वजह से सिस्टम खराब हुआ। तो मैंने उस टाइम पर यह फील किया दिस इज रॉन्ग, दिस इज एन इनजस्टिस टू अ सिस्टम। इससे मावरा के मैं उसके अंदर रहा और मैंने जब उसमें प्रॉब्लम्स भी देखी और मैंने उसके अंदर जब कुछ चीजें देखी तो उसके बावजूद भी मैंने उसको वही किया जो मैंने आपको भी कहा और सब बच्चों को कहा कि आप सुधार पैदा कर दो ना भाई। तनकीद करना तो बहुत आसान है भाई मदारिस के ऊपर, तनकीद करना बहुत आसान है कि जी उलमा के ऊपर इतने जो अल्लाह के करीबी लोग, बहुत आसान है। आप कर दें ना कुछ आके, आपको लगता है आप कर दें। और सबसे बड़ा काम तो आज मेरी दावत यही है ओरिएंटेशन में, अगर भाई आपको लगता है कि अब मुश्किल है 8 साल मुश्किल है, 9,760 घंटे से प्लस का करिकुलम है, 54 किताबें पढ़ाई जाती हैं तकरीबन, 54 से 55, 56 किताबें तकरीबन हर मसलक हर फिरके की दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती होंगी, उसके अंदर उसूली किताबें तकरीबन सब की एक हैं, बाकी जहां पर जो इख्तलाफी मसाइल होंगे वो एक अलहदा होंगे, लेकिन उसूल फेक, उसूल हदीस, नाफ, सर्फ, मानी, मंतिक, बयान वगैरह, ग्रामर, लैंग्वेज, सीरत, ये तकरीबन सब जगह एक ही होती हैं। उसके बाद आगे जाके हदीस की भी किताबें हर मदरसे में एक ही जैसी होती हैं, कुरान की भी तफसीर हर जगह एक ही जैसी हो रही होती है, मंतिक, फलसफा वगैरह, और दूसरा अगर कहीं अकायद के बेसिस के ऊपर कोई एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है तो एक बहुत शॉर्ट पैक शॉर्ट हिस्सा है उसके अंदर, बाकी तो सारा दरस निज़ाम ही हर जगह एक जैसा होता है। तो अगर आप नहीं जा सकते भाई, अगर आप 8 साल नहीं लगा सकते, आप घर नहीं छोड़ सकते, आप अपनी कमर्शियल लाइफ की कुर्बानी नहीं दे सकते, आप बीवी बच्चे नहीं छोड़ सकते, आप बिजनेस नहीं छोड़ सकते, आप कॉलेज नहीं छोड़ सकते, तो तब हमने ये सोचा कि यार ठीक है, ये इनकी एक हुज्जत हो सकती है कि जी कुआं उठ के नहीं आया पानी के पास, प्यासे के पास, हालांकि उल्टा होता है, प्यासे कुएं के पास आता है, कुएं की तरफ आता है, प्यासा कुएं के पास आता है, ये कहते हैं जी कुआं प्यासे के पास उठ, उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके हिफज किया और अब हम आगे से कहते हैं कि जी वो उठ के भी जाए, ठीक है उनकी जिम्मेदारी है, ले ले आपका ये ब्लेम उनके ऊपर जो है ले लेते हैं हम इसको भी। तो हमने वहां पर ये सोचा कि भाई ठीक है, हम एक जसर के तौर पे एक शॉर्ट पैकेज ऐसा बनाते हैं कि हम समझा सकें कि भाई क्या डायनेमिक्स क्या है इसकी। हमने ये नहीं सोचा था कि जी हमारे वर्जन के अंदर उस तरीके से तैयार हो सकता है जिस तरह एक 8 साल में एक आलम दीन तैयार होता है, इसका कहना मुश्किल है,
क्योंकि वो एक अलहदा डेप्थ है, वो एक अलहदा स्ट्रगल है, वो एक अलहदा जिहाद। हकीकत है 9700 घंटे की आप एजुकेशन में, 10,000 घंटे के अंदर 10,000 घंटे का करिकुलम ओ लेवल्स का होगा या मैट्रिक का होगा, और तकरीबन 9-10,000 घंटे का एक दर्स निजामी का। तो ये तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि भाई आप जितना भी शॉर्ट कर लें वो उसकी पावर के मुताबिक है। लेकिन हमने ये सोचा था उस टाइम पर, आपका अगला सवाल हम इसके आगे लेंगे, कि भाई हम कम से कम एक ऐसा जसर, एक ऐसा ब्रिज तो करें कि कम से कम इनको तो पता चले ना कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी एक और मेहनत थी जो मैं पीछे कर रहा हूं, वो गैप खत्म हो, गैप जो है ना, वो एक कम्युनिकेशन का भी गैप था और दूसरा माइंड का भी इतना गैप था कि दोनों अलग अलग दुनियाओं के अंदर सोच रहे थे। जो दीनी उसके सर्कल के अंदर था उसको जो है इस माशरे के बारे में ज्यादा क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है कुआं तोड़ के प्यासे के पास नहीं जाएगा। अदील भाई एक सबसे बड़ी बात ये थी कि लोग ना उस वक्त भी और आज भी ना गुड मुस्लिम वाले बैठे हुए थे, जो गुड मुस्लिम बना दें जी। हमारी सोच थी नहीं भाई टेक्निकल मुस्लिम तैयार करें, गुड मुस्लिम तो होना ही चाहिए, टेक्निकल मुस्लिम हो जिसको शरी बुनियादें पता हो, जिसे शरी उसूल पता हो, ताकि वो फितनों के अंदर कुछ तो बेस रखता हो। गुड मुस्लिम एथिकल मुस्लिम, कैरेक्टर के लिहाज से गुड मुस्लिम, मैं उसका भी कायल हूँ। वो एक अलहदा जेहत है जो मोटिवेशन के लेवल पे हम कवर करते हैं। लेकिन जो शरीयत का टेक्निकल बेस है, जो उसका एक मैकेनिकल सिस्टम है, जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पहलू है, जो उसकी इनडेप्थ एनालिसिस है, जो आदमी को सोचना सिखाता है, थिंकिंग हाउ टू थिंक कराता है, मेरा उस पर था कि भाई इसको दरस निजामी और शरी उलूम लाए बगैर आप कौम को वो नहीं उस लेवल पे प्रिपेयर कर सकते। महज सिर्फ जज्बाती तकरीरें और जज्बाती खुतबों से ये नहीं हो सकता, आपको उनके इल्म को लाना पड़ेगा। तो मेरे दो बड़े मसले थे उस टाइम पर। एक ये था कि जी अवामुल नास की क्लास को इधर लाएं और एकेडेमिक क्लास को लें। पहले मेरा था क्योंकि मदारिस में गरीब बच्चे ही जाते हैं, मेरे ख्याल से गरीब गुरबा के बच्चे ही पढ़ रहे होते हैं, तो बाद में सिस्टम आया। ये तो ऐसे ही है मदारिस में किसी, अब जो है मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, तो किसी का बच्चा था एंड ही वाज नॉट यू नो स्टडीइंग प्रॉपरली इन स्कूल वगैरह, तो थोड़ा सा बिगड़ गया मोहल्ले के अंदर, थोड़ी गलत आदत में मुलव्वस हो गया। तो उसके माँ बाप ने कहा इसको मदरसे में डाल दो कि अब तो और किसी काम का नहीं है ये। तो एक ही हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली एक मिजाज है कि मदारिस में वो उन बच्चों को डालते हैं जिनसे उनको दुनियावी तरक्की की उम्मीद नहीं होती, थोड़ा सा उस सिस्टम के साथ भी अलाइन करने की कोशिश करें जो रियल टाइम इश्यूज के अंदर पड़े हुए, जो हमने कोशिश भी की और बनाया भी, और हमने चाह कि वो भी हो, वो भी अलाइंड हो, वो भी समझे। क्योंकि तफरीक और खिला तब पैदा होती है जब मैं आपके वकी भाई और उस्ताद अरसलान सलीम साहब भी बैठे हैं, मैं जब आपके पास नहीं हूंगा ना तो मेरे वैसे ही डिफरेंसेस बहुत हो जाएंगे। जब मैं साथ हूंगा ना, जब हम साथ होंगे तो हम एक दूसरे को बहुत वुसत से देख सकते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस है, जनरेशन डिफरेंस है, गैप डिफरेंस है। अब माँ बाप बच्चों के साथ जब नहीं होते तभी जनरेशन गैप होता है, जब माँ बाप बच्चों के साथ होंगे ना तो वो जनरेशन गैप नहीं होगा ना, खुद नीड फील होना शुरू हो जाएगी भाई कि ये तर्क चल रहा है तो मुझे ये चीजें इवॉल्व और चेंज करने की जरूरत है इस टाइम। तो बहरहाल बेसिक आइडिया अदील भाई यही था कि इसको किसी तरीके से लाया जाए। लाने के अंदर फिर जो है ना वकी भाई ने ज्यादा आगे की थोड़ी बात कर दी, अब हम उस पर आते हैं कि फिर वो हमने क्या सोचा कि उसको कैसे करें, कैसे हम भाई अगर नहव की तीन किताबें हैं या चार किताबें हैं। सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, वो पीछे रह जाएगा, वो पिछले सेगमेंट का एक पार्ट रह गया, अगर उस पर मैं टच करूं थोड़ा सा। जी जी, वो ये था, आपने बात की कि लोग अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ें, अपने बिजनेस छोड़ें, अपनी फैमिली छोड़ें और फिर दरस नामे पढ़ें, मुश्किल काम था। और हकीकतन वल्लाह ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। इस दौर के अंदर जब आपको फैमिली चलानी है, आपको अपना घर चलाना है, आप किस तरह में, अब एक 30 साल का आदमी है वो जॉब कर रहा है, उसको मैं क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, उसने इल्म पढ़ना है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ऐसी नहीं थी कि वो आलम का कोई कोर्स कर सके या फिर आलम के तर्ज का कोई कोर्स कर सके। कुछ अपॉर्चुनिटी आज से 7-8 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटीज नादरन बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो हमने सफा के अंदर इंट्रोड्यूस करने की एक और रीजन ये भी था इस पैकेज के साथ कि वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बिजनेस फैमिली छोड़े बगैर एट देयर कन्वीनियंस हमने एक कोर्स लॉन्च किया कि वो इसको हफ्ते में 4 दिन 3 दिन 2 दिन या 1 दिन के पैकेज में इसको हासिल कर सके। इस तरीके से हमने ये 300 घंटे का कोर्स जो है वो डिजाइन किया था। मैंने मेरी इस पर टेक ये देखें, एक वो है जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कहा कि जी मुझे
माल की जरूरत है जंगों के अंदर, तो वो पूरा ही घर उठा के ले आए, लेकिन उमर रदी अल्लाह ने आधा घर लेके आए, और फिर कोई ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक खजूर भी होगी। तो ईमान के अंदर और कुर्बानियों के अंदर जब फर्क है, तो आप सबको एक आइडियलाइज वर्जन पे कैसे रख सकते हैं कि जी सब एक लकीर से सब काल नहीं दे सकते, ये हो नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जी एक पार्टी तो होगी जो अपना आप कुर्बान करके जाएगी, और आप और हम सारे मेरे ख्याल से अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने तो सब कुछ छोड़ा, हम तो गए पढ़ने, हमने तो वहां पे वक्त भी लगाया, मारे भी खाए, इंजॉय भी किया, और उस चीज को एक्सेप्ट भी किया। तो हमने उस वक्त ये सोचा कि हमें ये लेवल्स रखने पड़ेंगे, कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, हमें कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, हर किसी की फैसिलिटेट करना पड़ेगा हर किसी की कन्वीनियंस के मुताबिक। भाई कोई अगर कहता है कि जी मैं एक घंटा महीने का दे सकता हूँ जो पढ़ाना है पढ़ाता हूँ, कोई कहता मैं 5 घंटे दे सकता हूँ, कोई कहता मैं जी 30 घंटे दे सकता हूँ, कोई कहता जी मैं 200 घंटे दे सकता हूँ 4 में, हमारे पास एज द रिलीजियस बेंच या जो भी स्कॉलिस्टिक बेंच है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, वह फौका कुल्ली जी इल्म अलीम के लिहाज से, हम हर लेवल के लिहाज से, क्यों वकी भाई, हर लेवल के लिहाज से हम इल्म को इस तरह कर दें कि हमारे हर चीज के अंदर वो चीज जा रही है, हर चीज। इसमें अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लम के जमाने की बात करें तो एक कैटेगरी होती है असहाबे सुफा वाली, जो डेडिकेटेड थे, इनके 24 आवर्स काम वो तो स्पेशल बेंच थी जी। फिर कुछ वो थे, उमर रजी अल्लाह की मिसाल आती है कि वो एक दिन आते थे, एक दिन उनके भाई आते थे, और फिर आपको बहुत सारी मिसालों में ऐसा भी मिलता है कि कुछ एक असहाबी आते हैं और आके कहते हैं कि दीन मुझसे बहुत मुश्किल हो गया है, अल्लाह ताला ने उनको 2 मिनट का रिलीजन भी दिया है आने के लिए कि तुम ये भी कर लो। तो मतलब 2 मिनट से लेके एक इंसान के पास 2 साल या 4 साल तक का करिकुलम होना चाहिए। नहीं, हम इस पर ये कहते हैं कि हर मुसलमान अपने फतकुल्ला मस्ततातुम के तहत अपनी अपनी पावर और स्ट्रेंथ और फैसिलिटेट और मसल्स के मुताबिक दीन को कॉन्स्टिट्यूट करता रहे, और अपने लेकिन उसके पास वो नॉलेज का टैंक तो होना चाहिए ना, जिसके साथ वो कम से कम मिनिमम क्वालिफाई करता हो कहीं बात करने के लिए, उसे उसूल तो पता होने चाहिए ना उसे किसी लिहाज, ताकि वो अपने और वो अपने लिहाज से कॉन्ट्रीब्यूट करता रहे सोसाइटी के अंदर, और इसी तरीके से उम्मत के अंदर वो एक बहुत बड़ा एजेंट ऑफ चेंज बन जाएगा। लेकिन जब हमें वो कोर बेसिक्स ही नहीं पता होंगी, वो हम कोर जानते ही नहीं होंगे कि जी क्या मैकेनिज्म पीछे चल रहा है, डायरेक्ट अगर आप उसे कुरान हदीस पे लेके, मैं इसका मुनकर नहीं हूं कि कुरान पढ़ना नहीं चाहिए, ये हमारा तासुर ना जाए कि अल्लाह तो कुरान में कहता है कुरान अलज़िक्र फहल मिन मुद्दकर, कि हम तो कहते हैं कुरान आसान है कोई है, लेकिन इतना भी आसान नहीं कह सकते, एक जिहत इसकी आसान है आम फहम के लिए, मगर जब आप इसको टेक्निकलिटीज में लेके जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो फिर ये बहुत मुश्किल उलूम है, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट के साथ उलमा के साथ सारी जिंदगी लगानी पड़ती है समझने के लिए कि मिजाज क्या है। अगला सवाल अगर आपको पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैं आगे हम इससे आगे चलते हैं उस्ताद इस्लाम, मैं आपको भी लूंगा जी वकी भाई बोले। पिछले सेगमेंट से मैं एक सवाल जो है ना पूछना चाहूंगा शेख से कि आपका माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहम और करम से मतलब जो जसर और ब्रिज की बात की है, तो पाकिस्तान के बल्कि एक तरीके से उर्दू कम्युनिटी में के अंदर जो दो बड़े तबके पाए जाते हैं, एक जो रिलीजियस तबका इसको कहते हैं, दूसरा लिबरल तबका भी इसको कहते हैं, तो दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपोजर भी है और आपकी फैन फॉलोइंग भी है और व्यूअरशिप भी है, लोग आपको एक अथॉरिटी मानते हैं अल्लाह ताला के रहम करम से, तो उसमें आपने और ये जो डाइवर्सिटी है ये पाकिस्तान के अंदर या एक उर्दू कम्युनिटी के अंदर बहुत कम मिलती है कि एक इंसान दो दुनिया के अंदर बैलेंस लेके चले और उसका एग्जिस्टेंस दोनों के अंदर हो। तो बस मैं एज अ स्टूडेंट मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने दोनों के अंदर क्या क्या देखा, मतलब आप लिबरल तबके के अंदर ही बहुत रहे और आप रिलीजियस तबके के अंदर ही बहुत रहे, आप चाहते हैं वकील भाई कि हम कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएं? नहीं, मैं आपसे देख असल में तो असल में जो एक बात आई थी ना कि जब आप दूर रहते हैं तो आपको बहुत इख्तलाफ दिखता है, लेकिन जब आप बहुत करीब आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जो है ना खैर भी आपको दिखती है, तो वो खैर का एस्पेक्ट मैं पूछना चाहूंगा कि कोई कॉमनलिटी आपने देखी हो ऐसी दो चार। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं मेरे एक उस्ताद थे और मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, उस्ताद अबू नुमान बशीर हफीजहुल्लाह शेखुल हदीस हैं वो हफीजहुल्लाह, और मैंने उनसे एक बात सुना कि मैंने बोला इसको तो नहीं पढ़ना चाहिए, इसके ये इस आदमी की किताब तो नहीं पढ़नी चाहिए, उन्होंने मुझे बोला अखबार भी पढ़ोगे ना तो उसमें इल्म मिल जाएगा। तो मैंने जब कुछ खास लोगों के साथ जब वक्त गुजारा तो उसके बाद मैं एक वक्त के ऊपर कहता हूँ कि वो वाली बात है कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह ने इंजील उठाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया उनको कि आपके लिए क्या कुरान काफी नहीं है, मगर उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि जब आपके उसूल पक्के हो जाएं, जब आपका बेसिक नजरिया
हर लिहाज से मेच्योर हो जाए और आप एक बैलेंस आदमी बन चुके हों, तो फिर पढ़ना चाहिए हर किसी को भी और देखना चाहिए कि अगले क्या कहते हैं भाई, ताकि आप एक एनालिसिस कर सकें जी कि अगले की सोच के। तो मैंने इस चीज को समझा है कि देखें नुक्ता जो है ना, नुक्ता इस्तलाल जो होता है या इस्तेमाल होता है वो आ जाता है बहुत से लोगों को, तो बातें सबकी सुननी चाहिए, बातों को देखना चाहिए भी वो भी क्या कहते हैं। अगर किसी ने इस्लाम से उसूल लेके उसकी ब्रांडिंग एक इंग्लिश के अंदर करके मुख्तलिफ नाम से बेच रहा है तो वो है तो इस्लाम ही ना। अब बेचने वाला अगर जॉन जोसेफ है उसके पीछे, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई जान जो उसने नुक्ता उठाया है। अब स्टीवन कवी का जो नुक्ता है 6 दिन वाला, वो फी सित्तत अय्यामिन, एक अरब उलमा ने भी लिखा है इसके ऊपर। तो अगर कि हमारे वाले कहें तो वो दीन है, अगर वहां से हैं तो हम, मेरा पॉइंट ये था कि देखें जी अगर लिबरल तबके की भी बातें करें तो जो उनकी जो एक हर तबके के अंदर जो एक फनेटिसिज्म होता है ना, वो कहीं पर भी हो, वो दीनदार साइड का फनेटिसिज्म हो या वो दुनियादार साइड का फनेटिसिज्म हो या वो कम्युनिस्ट साइड का फनेटिसिज्म हो या वो लिबरल साइड का फनेटिसिज्म हो, फनेटिसिज्म से हट के जो अच्छे थिंकर्स बैठे होते हैं उनके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उसको सुन लेना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए और अपने लिहाज पे चेक करना चाहिए कि भाई हमारा क्या नुक्ता नजर है। इस लिहाज से मैंने जो समझी चीजें कि खैर का पहलू जो है ना, खैर का पहलू, उससे अगर हम एक खास सेगमेंट के साथ ही लॉक करके कह देंगे जी कि पूरी इंसानियत ही खैर से आ रही हो चुकी है, मेरे ख्याल से ये बड़ी मुतशद्दिद अप्रोच है। दूसरा दूसरा मेरा टेक इस पर ये कि आप कह दें कि जी सारा खैर ही उनमें है, सारा शर हम में है, मैं कहूंगा ये भी मुतशद्दिद हैं। सारा खैर नहीं तो एक बेसिक खैर जो जरूरी है खैर में क्वालिफाई करने का, वो किसमें है, ये सारी बातें देखने के बाद इसका मतलब ये, इसके बाद बड़ी बात थी कि आप अपनी असल ना छोड़ें। तो कुछ लोग गैरों के पास जाते हैं मगर अपनी असल भूल जाते हैं, ये है मेरा नुक्ता। आप गैर के पास जाए ना तो अपनी असल को फौरन ना चैलेंज करें, वक्त लगाएं। हमारे एक उस्ताद थे, आप लोग भी जानते होंगे, शेख खलील रहमान लखवी हफिज़हुल्लाह, तो मैंने उनसे बड़ा नोट उनको किया, उनको हम जितनी रिसर्च ला के सुनाते थे ना, वो कहते थे यार मैं अपनी राय बनाता भी टाइम से हूँ और मैं अपनी राय बदलता भी टाइम से। तो तहकीक करते रहें, देखते रहें, उम्र की भाव से गुजरते रहें, फिर अपना ओपिनियन कायम करता है आदमी। और फिर ओपिनियन भी सिर्फ 2 मिनट में चेंज नहीं होना चाहिए, ओपिनियन की भी एक बेस होती है, क्योंकि ओपिनियन खुद इन इटसेल्फ 50 डायनामिक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। वो सिर्फ एक इतना, वो ओपिनियन ही क्या जो सिर्फ इतनी सी जिहत के अंदर, ओपिनियन होता ही वो है जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी लेके बैठा होता है। तो जब तक आप में वो डाइवर्सिटी नहीं पहुंची भी कहीं तक, यू शुड टेक टाइम टू जज समथिंग, आपको फैसला सुनाने से पहले। और यही किबार उलमा की सिफत है कि उनकी फुर्सत बहुत ज्यादा होती है, उनका देखने का नजरिया बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत हमारे जैसे छोटे मोटे, थोड़ा बहुत 2-3 किताबें पढ़ के जो मैदान में आ जाते हैं, उनके मुकाबले में वो ज्यादा गहरे होते हैं, उनकी ज्यादा फिक्र होती है, ज्यादा वसत होती है। तो दोनों को केटर करने के अंदर एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये भी थी हमारे पास अल्लाह की दी भी, कि हमने दोनों की पॉजिटिव्स को ही हिट किया, कॉन्ट्रोवर्शियल नेगेटिव इश्यूज को हिट नहीं किया कभी। ठीक, यही वकी भाई का पॉइंट को सफा के हिसाब से समराइज करते हुए मैं आगे चलूंगा कि असल में खैर जो है अल्लाह ताला ने हर फैसेट के अंदर रखी होती है। नेगेटिविटी अगर आप देखने जाएंगे तो आपको हर जगह वो भी दिख जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन खास दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारा एक जमीतर जो है ना, वो एक इमेज ये बना हुआ है, पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर और साउथ एशिया के अंदर कि आपको गरीब के अंदर खैर मिल जाएगी दीन की, आपको मिडिल क्लास से मिल जाएगी, अमीर जो है तो दीन से बड़ा दूर है, उसमें सारे शराबी होते हैं, जानी होते हैं, जुआरी होते हैं। तो एक ये इमेज बनी हुई थी। लेकिन बहरहाल हम जब इस सफर से गुजरे हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस थी ज्यादातर वो हमारी इलीट और अपर मिडिल क्लास ही रही है हमेशा से, लोअर मिडिल क्लास भी आते हैं, लेकिन हमें खुद सरप्राइज हो गए कि कितनी खैर वहां पे भी मौजूद है। पहले हमारी सोच यही थी कि जी देखें हम इसको ना लेके जाएं एक पढ़े लिखे तबके में जिन्हें एजुकेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस प्रोफेसर HODs और बड़े जो हल्के हैं उनके अंदर हम इसको लेके जाएं और फिर उनको दिखाएं कि जी इसको भी आप खाते में रखें, हैं तो आप सिस्टम के सारे माई बाप लोग हैं, कॉर्पोरेट में आप बैठे हुए, इदारों में आप बैठे हुए, हुकूमतों में आप बैठे हैं, लेकिन आप इसको भी अपने आप बड़े हैं, आप चला रहे हैं सिस्टम्स को, आप इसको भी खाते में रख लें जी, ये इतने बड़े आलिम ने बहुत बड़ी रिसर्च रखी है, आप इसको डिकोड करके अपनी जगह पे अप्लाई करें और अगर उसकी कोई लॉग फाइल और जो उसकी कुछ बनती है एक्सपेरिमेंटेड फाइल वो आप हमें भी दें, हम उसको मजीद बढ़ाएंगे ताकि इसमें और जो मॉडर्न रियल टाइम के बीच में कोई खला भी रह गई है तो वो इतनी बड़ी अवाम जब एक्सपेरिमेंट कर रही होगी तो वो दीन को फायदा देगी, अवाम को फायदा देगी और सबसे बड़ी बात है हमारा स्ट्रक्चर, हम वो स्ट्रक्चराइज हो जाएंगे।
उस वक्त सोच ये भी थी और लोग आए भी, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस के लोग आए हमारे पास, पढ़ा भी उन्होंने, लेकिन बड़ा टास्क तो आप भी जानते हैं और वकील भी जानते हैं और मेरे ख्याल से असलान साहब भी जानते हैं, वो कंसाइज करना एक बहुत बड़ा जिहाद था कि इसको छोटा कैसे करते, अप टाइम में कैसे करते, एप्लीकेटिव कैसे करते, रिटेंशन एक बहुत बड़ा इशू था कि अगर आप इतने बड़े इल्म को इतने वक्त में पढ़ाएंगे तो वो कैसे बैठेगा जहन में, लैंग्वेज बड़ा मसला था कि जी किस लैंग्वेज में करें, इंग्लिश में करें, प्रॉपर अरबी में कर दें, मिक्स करें, मिक्स प्लेट चलाएं, इंग्लिश में लेके चलें, दीज वर द इश्यूज। और अल्लाह के करम से अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी, 17-16 बैच निकल गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कैसे स्टार्ट लिया था आज से 8-9 साल पहले। और रात बीच में एक बात ऐड करना चाहूंगा, सफवा का एक बैच ऐसा भी हमने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पेपर जब हमने लिए तो आप यकीन नहीं करेंगे, 3 लैंग्वेज में हमने पेपर चेक किया, जिसमें अरबिक भी थी, उर्दू भी थी और इंग्लिश भी थी। That was a big success मेरी नजर में, कि जब जाहिर में लोग कह के फौरन कहते हैं यार ये हमारे यहाँ तो दीन की जजमेंट दाढ़ी के ऊपर हो जाती है जी। खैर और शर हर जगह मिलती है, अपने आप को आप ओपन रखें सबके लिए, लेकिन हमें बड़ी हमारा बहुत कुछ बदला ये देख के यार ऐसे लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है कि सरफे सगीर क्या है और जो है वो हाल क्या होता है, तमीज क्या होती है और जो है इबारत क्या होती है, बगैर रात के पढ़ना तो बड़े बड़े, अगर हम कभी कौम के सामने सिर्फ पेपर्स ही रख देना जो एग्जाम हमने लिए हैं, तो मेरे ख्याल से हम इस पर काफी लोगों को चुप करा सकते हैं कि देखें जी अगर आप कहते हैं कि ये 8 साल को कंसाइज नहीं किया जा सकता या इससे अवाम में, हमने ऐसे ऐसे लोगों के रिजल्ट देखे हैं जो दूर से भी वाकई देखने के अंदर भी नहीं और बात करने में भी कोई दीनदारी नहीं होगी, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी ऐसी थी कि हम भी हिल गए। इसके अंदर एक दो तो पेपर ऐसे थे, जैसे मुझे आकिब शाह याद है, उसका पेपर मैंने देखा था, आई वाज शॉक्ड टू सी। हमारे साथ उस्ताद अरसलान बैठे हैं, इनका पेपर मौजूद है, आप देखें यहीं पढ़े हैं फिर यहीं पे उस्ताद बने और अब तो सफा को एक लिहाज से हेड भी कर रहे हैं आपके अंदर। तो आईबीए का वो लड़का था माशाल्लाह से, मगर उसने इतना हिला के रख दिया हम लोगों को, उसकी इतनी परफॉर्मेंस की, अल्लाह उसको बरकत दे। बहरहाल उसने जो सीखा वो जहाँ अप्लाई कर रहा होगा यही सदका जा रही है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एक प्रॉपर जो टेक्निकलिटी है ना उलमा की बेंच की, उसके साथ अवाम कम से कम उनको पता तो होना कि भाई ये लोग कौन है और ये काम कैसे करता है। तो इस तरह हर घर के अंदर जब एक स्ट्रेंथ पैदा होगी तो डेफिनेटली, तो हम कहते हैं कुछ लोग 8 साल में तैयार हो जाएं, कुछ 15 साल में हो जाएं, कुछ 20 साल में हो जाएं, कुछ 6 साल में हो जाएं, अपने अपने लिहाज से पहुंचे सारे एक लेवल के ऊपर, तो उम्मत पूरी एक्सेल करेगी नॉलेज के अंदर मेरी नजर के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं हम। पहला तो ये था इस कोर्स को हमने इंट्रोड्यूस क्यों कराया माशरे के अंदर और पेनिट्रेट किस तरह कराया। अब हम इसके चैलेंजेस की तरफ चलते हैं। जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो शेख साहब की जबानी सुनेंगे हम कि देखिए माशरे के अंदर जितने भी सवाल नहीं करना, वहीं ही बैठे हैं यहाँ पर। शेख मुझे आपसे ये सवाल करना था तो अधीर भाई अगर मुझे मौका दें। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा आप इतनी शर्मा रहे हैं, आप बोले नहीं। अदब तो ये होता है ना कि उस्ताद हमारे सामने बैठे हैं और गुस्ताखी हो कि हम उनके बीच में बोलते हैं। शेख आपने अपने एक सफर बताया कि आपने किस विजन के तहत इस कोर्स को लॉन्च किया और इसको लेके चले, और लेकिन आपने इसकी ये वाली साइड नहीं बताई कि किस तरीके से इसकी टाइमिंग्स और किस तरीके से आपने इसके टाइम को लोगों के मुताबिक इसको एकोमोडेट किया कि किस कौन सी टाइम स्लॉट्स ऐसी होती हैं जो आपने लोगों की अवेलेबिलिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यूनिवर्सिटीज चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, यानी कि मैं खुद अगर अपनी एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं एक बिजनेस से रिलेटेड पर्सन हूँ जो मैं काम पर भी जाता था, और किस तरीके से आपने ऐसी टाइमिंग स्लॉट किस आइडियाज के साथ आप इसको लेकर आए कि ऐसी टाइमिंग स्लॉट हो कि हर बंदा, ऑलमोस्ट हर बंदा उस कोर्स को, इस कोर्स को पढ़ सके, इस कोर्स को आगे लेके जा सके और इस कोर्स में जो मजीद आके अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हैंडल कर सके। शुरू के अंदर जब हमने किया ना तो मैं देखें करिकुलम तो हमें सारा ही पता था कि क्या है, नाफ की 5 किताबें हैं, सर्फ की 3 किताबें हैं, बलागत की 2 हैं, उसूल फिका की 3 हैं या 4 हैं, अलवजीज आखिरी है, शुरू में उसूल फिक पे आसिम अलहदाद का वो एक रिसाला था, तो इस तरह जितना भी उसमें पता था हिसाब किताब के जी किस तरह चलता है। मैंने क्या किया शुरुआत में ना, पहले मुझे टेंशन थी कि भाई तो इतना इल्म रिटेन क्या होगा, तो पहली चीज जो हमने उसके अंदर की वो ये थी कि इसको छोटा, मैंने एक ना 70 घंटों में एक दफा
छह किताबें फास्ट ट्रैक पढ़ाई थी 9 साल पहले किसी को, उसमें दो असूले थे। और मुझे याद है कि आप टाइम टाइम भी नोट किया करते थे कि कितने, और पूरी टाइमिंग कैलकुलेट करता था उस पे। मैंने मेरे ख्याल से मुकदमा इब्ने तैमिया थी एक तफसीर के अंदर, फिर उसके अंदर नुक्बतुल फिकर थी एक, उसके अंदर आपका एक असूले फिक पे एक नजर थी, वो आसिम अद्दाद की तहसीर मुस्तरल हदीस थी महमूद तकान की, और एक किताब शायद उसको मैंने फास्ट ट्रैक कराई। मैंने ये नहीं देखा कि वो लोगों में बैठती नहीं बैठती, लेकिन मैंने कहा मैं रश में निकालू, तो वो लोग रोज पढ़ने आते थे लोग बच्चे, तो मैंने वो किया, तो वो 70 घंटे का मैंने वो टेन्योर निकाला। तो उसके बाद मैंने रिटेंशन देखी तो 25-35-40% की रिटेंशन थी उसके। इस तरह मैंने स्टार्ट एक्सपेरिमेंटेड की कि इसको फास्ट ट्रैक करें पूरी पूरी किताबों को। उस जमाने के अंदर मेरा थॉट फ्रेम यही था कि भाई किताबें ही चलें, क्योंकि हम तो कहते थे भाई ये किताबें हैं, किताब का एक अलग चीज होती है। इक्तिबास का कॉन्सेप्ट बाद में आया मेरे ख्याल से, जब मैं अदील और वकील ने ये उस्ताद ये शुरू किया कि भाई अब हम पूरी किताब से अगर खास रहेंगे तो हम इसको छोटा नहीं कर सकेंगे, हमने इक्तिबास निकालना शुरू किया। मेरे ख्याल से मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर भी अब नोट्स ही चलते हैं, किताबों का सिलसिला मेरे ख्याल से वो पहले जमानों में कभी हुआ करता था। इसके साथ हमने शुरुआत की कि भाई एक तो इसको जो है ना 500 घंटे 600 घंटे 700 घंटे पे लेके आया जाए, ताकि और फिर दे मुआवजना कराया जाए कि भाई ये किसने किस हद तक का ये जो इसका पढ़ने वाला है वो किस हद तक काबिल होता है। उसके अंदर मैंने यही फैसला रखा था कि जी एग्जीक्यूटिव क्लास होगी, और हमने स्टार्ट मेरे ख्याल से 4 डेज अ वीक किया था ना, ये 4 डेज मंडे टू थर्सडे, यस दैट वाज द फर्स्ट बैच, और 2 आवर्स अ डे होता था शाम को मेरे ख्याल से, मंडे टू 8 से 10। और आज उज़ैफा भाई नहीं है, वो उसूले हदीस पढ़ाते हैं, उसके अंदर उज़ैफा भाई पहला बैच थे मेरे ख्याल से, उज़ैफा और मैं पहला बैच, उज़ैफा और आपका पहला बैच था मेरे ख्याल से। तो उसके अंदर वो 4 डेज अभी 2 दिन लगा, फिर हमने फील किया यार 4 दिन भी कराची से लोग कहाँ से आएंगे, इतना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर है, और कराची तो वैसे ही ऐसा शहर है कि कोई बराबर के अंदर भी किसी का हाल नहीं पता होता, इतना बिजी शहर है ये। तो फिर हमने इसको बहुत साल मैंने इसको इनिशिएट किया पाकिस्तान के, मैं उन वाहिद उनमें से था जिसने इनिशिएट किया, और भी दूसरे थे, जामे रशीद ने ये काम बड़ा अच्छा किया हुआ था, इसको 4 से 5 साल में उन्होंने किया हुआ था, बहुत जबरदस्त उनका इदारा काम कर रहा था, तो उनको भी हम हैट्स ऑफ देते हैं इसके अंदर। तो इसको फिर हमने मेरे ख्याल से 2 डेज पे लाए या 3 डेज पे लाए, फिर हम 2 डेज पे लिया इसको, 2 डेज वो अच्छा, साथ में एक्सपेरिमेंट भी चल रही थी अरसलान भाई, और साथ में हम रिजल्ट्स भी एनालाइज कर रहे थे और पढ़ा भी रहे थे और अपना भी चेक ले रहे थे कि भाई हमारी कहाँ तक सक्सेस लेवल्स जा रही है। तो आज हम किसी को भी करिकुलम बताना चाहे ना स्कूल का कॉलेज का यूनिवर्सिटी का, तो हम बता सकते हैं भाई इतने घंटे को अगर आप अपने स्कूल में भी डाल देना तो 11 साल की तालीम के बाद गुड मुस्लिम नहीं चाहिए हमें, एक आलम दीन ही चाहिए, नहीं तो कम से कम एक सेमी आलम दीन तो कम से कम तैयार करें। ये कैसी आप इस्लामिक स्कूल के नाम पर भी काम कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छी बात है जो आपने अचीव किया, इट्स एक्सीलेंट, मगर हमें और आगे जाना चाहिए कि हम इसमें कम से कम एक 11 साल एक बच्चा मैट्रिक में रहे या मदरसे में रहे, दोनों के अंदर दोनों उलूम की पावर्स कॉन्स्टिट्यूट कराई जा सकती है। ये तो बड़ा एजुकेशन का टारगेट है और चैलेंज, और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ अभी कुछ लोगों के साथ। तो वो हमने फिर समझा कि इसको नाइट में ही रखें, इवनिंग में रखें, और फिर उसके साथ करते कराते लोग आते गए, हमने फिर मैंने और फिर हम लोगों ने ये वकी और उस्ताद अदील आरफिन साहब ने फिर मजीद इसको और कंसाइज करते हैं। अब तो हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमें एक दिन में कर दिया इसको, अभी मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन 3 डेज में जाएगा, लेकिन अभी तो ये 3 डेज अ वीक पे जा रहा है ना, जी जी 2 आवर्स ऑन फ्राइडे, 2 आवर्स ऑन सैटरडे एंड 1 आवर ऑन संडे, लेकिन मैक्सिमम हम इसको जो लेके गए हैं वो 1 डे अ वीक एंड 5 आवर्स अ डे के, 5 आवर्स स्ट्रेट, यस ये हमने करके अब कल को अगर हमसे कोई बात करे ना तो हम कह सकते हैं भाई हमने ये भी पढ़ाया, हमने 4 डेज अ वीक भी पढ़ाया, हमने 2 डेज अ वीक भी पढ़ाया, हमने 560 आवर्स भी पढ़ाया, 256 आवर्स का भी पूरा करिकुलम पढ़ाया 4 सेमेस्टर का। तो वो इतनी एक्सपेरिमेंटेशन कर करके ना वो खेलना कूदना आ गया इसके साथ अल्लाह की रहम से, और उसमें तरक्की भी बड़ी हुई और नाम भी अल्लाह ने दिया, और फिर उसमें हमें सक्सेस भी बड़ी नसीब हुई इसके ना, और लोगों ने फिर हमारे मॉडल्स कॉपी भी बड़े किए, ये भी हमने दिए क्योंकि हम तो हम अभी कल ही मैं रियाज के अंदर भी मैं बहुत से लोगों को भी वहां भी हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने तो हमेशा दीन और नसीहा के तहत खुले दरवाजे रखे हुए, किसी को चाहिए आके ले जाए अप्लाई करे, तो कितने स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बल्कि बड़ी खुशी होती है जब कोई मॉडल यही अपनाकर जो है वो चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का हो जब इसको फॉलो करता है और उसको सक्सेस मिलती है तो बड़ी खुशी होती है दिल से कि अल्लाह ताला लोगों से काम ले रहा है। स्टार्टिंग के अंदर तो इसमें जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशन थी वो हम ही कर रहे थे,
लेकिन वो ये लोग आते थे पूछते थे हम दे दिया करते थे, तो किसी भी तरीके से मॉडल वायरल हो हमारी यही खुशी है कि लोगों को हम पैरेलल निजाम को ओरिजिनल निजाम के खिलाफ नहीं कर रहे। ये भी बड़ी गलत फहमी होगी लोगों की कि जी इन्होंने अपनी दो दो इंटा दी बना ली है, नहीं हम यहाँ पर उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूट करा देंगे जी, वो सीनियर बेंच है वो सीनियर सिस्टम है ये ब्रिजेस हैं। अगर तुम 8 साल की कुर्बानी दे सकते हो तो तुम चले जाओ भाई, ये तो सबसे अच्छी बात होगी। अगर तुम मदरसा ज्वाइन कर लो फुल टाइम। आप मेरे ख्याल से उसी बैचेस में से थे जिनको मैंने कुछ बुनियादी किताबें पढ़ा के फिर जामे बकर में भेजा था कि आप वहां जाके पढ़ें जी, आपने बुनियाद यहाँ ले ली है। तो पहले मॉडल में मदारिस नहीं भेजता था बच्चों को, भाई आप यहाँ कुछ बेस लें फिर आगे जाते रहे, फिर उसके अंदर हम मजीद अपना करिकुलम और अपनी फैकल्टी, जब आप सारे पढ़ते पढ़ाते आते रहे तो फैकल्टी बढ़ती गई और निजाम बनता गया माशाल्लाह से। ऐसे ही है, मेरे ख्याल से आगे चलते हैं, काफी टाइम निकल गया, 45 मिनट हो गए हैं, मगरिब में कोई सवाल अगर हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो लोगों के तो वो आने दें। सवाल एक मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं फिर इंशाल्लाह अगर सवाल ले लेते हैं उससे मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो ये है कि जब हम देखते हैं ये दरस निजामी जो आपने जितनी भी बात की टेक्निकलिटीज की इस्लामिक साइंसिस की, अब इसकी एप्लीकेशन की बात है, मतलब कि एक जो है वो दरस निजामी पढ़ा हुआ शख्स जो है वो आलिम जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे माशरे के अंदर। एक मस्जिद का इमाम मौजिन या फिर जो है वो किसी मदरसे में पढ़ा लेगा, अब कितने मदारस हैं, हर बंदे को मदारस में वैकेंसी तो नहीं मिलेगी पढ़ाने की या हर बंदा अपना इदारा तो नहीं खोल सकता। सो द पॉइंट वॉज कि इसकी एप्लीकेशन क्या सोची थी आपने कि सफा पढ़ा हुआ शख्स, ये दरस निजामी पढ़ा हुआ शख्स है, ये 5-6 साल जिसके बाद दीनी तालीम है, उसकी माशरे में क्या एप्लीकेशन होनी चाहिए कि वो मार्केटिंग हाउस चला सकता है, क्या वो फाइनेंशियल हाउस चला सकता है, क्या वो एक अच्छी एचआर जो है कंसल्टेंसी फ्राम कर सकता है बेस्ड ऑन कि उसने जो ये नॉलेज हासिल की है कुरान हदीस की, इस क्या इसकी एप्लीकेशन के थ्रू वो माशरे के इन फैसेट्स को टच कर सकता है। मेरा जो असल मेरी सोच थी आज मैं दे देता हूँ, ऐसे मैंने आप लोगों को तो बहुत सिखाई है लेकिन आज हम माशरे में ले, मेरी सोच ये थी कि देखें उस साइड पर कोई एमबीए कर ले एमबीबीएस कर ले इंजीनियरिंग कर ले, जॉब्स के इश्यूज तो आज भी हैं, हम ये नहीं कहते कि आज जॉब्स नहीं, जॉब्स के बड़े इशू हैं, बल्कि एमबीए और बैचलर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को तो पहला चैलेंज ये है कि अब तो कॉर्पोरेट्स में जॉब ही नहीं है, उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स खोल के एंटरप्रेन्योरशिप पे लाना पड़ रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट जो है वो इंजीनियरिंग भी कर रही है, वो ये भी कर रहे हैं, हर कोई बिजनेस मॉडल्स पे आ रहे हैं। जो अच्छी सोच है जो इस्लामिक सोच है कि छोटे छोटे एसएमईज जो हैं वो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनीज का जो कॉन्सेप्ट है इस पर बाद में बात करें। मेरा उस टाइम पर फ्रेम ये था कि भाई इनकी तो एप्लीकेशन हर जगह है लेकिन एक बच्चा या एक शख्स जो है वो इतने घंटे लगा के हजारों घंटे लगा के इल्म पढ़े और उसके बाद उसको उसका फाइनेंशियल करियर कोई नहीं है, इसका मुराद ये नहीं है कि जी दीन पढ़ाई पैसे के लिए था, ये गलत बात है, लेकिन आप कहें जो उसकी जरूरियात नहीं है, वो सोसाइटी का एक ग्रुप नहीं है, वो सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं है, अगर वो पैसे के लिहाज से इक्विप्ड नहीं होगा साउंड नहीं होगा तो वो कहाँ जाएगा। अच्छा फिर आप कहते हैं कि चलें अगर सैलरी नहीं लगनी आपने उसकी तो क्या वो ज़कात ले, जब वो ज़कात लेता है आप फिर उसे दलील करते हैं, आप फिर कहते हैं कि तू हक नहीं बोल सकता, तू खाओ पेट मौलवी है, तू खाओ पेट मौलवी। इसके अंदर मैं वो सारी काली भेड़ों को साइड में करके बात कर रहा हूँ, काली भेड़ें हर सिस्टम की होती है उसको साइड में रखें, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हजारों मदारिस के अंदर बैठे हुए जो उलमा है उनको आप ये कह दें कि जी ये सारे खाऊ बैठे हुए नऊज़ु बिल्लाह, तो जी ये बहुत ही गलत बात है, बड़ी बड़ी, बड़ी बायस बात है मेरी नजर के अंदर। आई थिंक मैं इसे टोटली डिफाई करता हूँ, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, काली भेड़ें अगलों के सिस्टम में भी होती हैं और पिछलों के भी, लेकिन मेरी पॉइंट ये थी कि भाई जब वो फाइनेंशियली साउंड होगा तो वो रिसर्च के मैदान में आएगा ना, वो फाइनेंशियली तो पहला एक चैलेंज था कि जी फाइनेंशियल स्कोप क्या है एक आलम दीन। दूसरा मेरा ये था सोसाइटी के अंदर बहुत से टैग्स लगे हुए हैं इसके साथ जिसके तहत इसको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम ड्राइव का पार्ट नहीं समझा जाता कि जी ये कूल नहीं है, ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये एफिशिएंट नहीं है, ये इफेक्टिव नहीं है, ये प्रोग्रेशन के खिलाफ है, ये फार राइट फार लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म इनके अंदर भी आ जाता है किसी लिहाज से, फिर उसमें टेररिज्म के टैग भी लगे और ऐसा नहीं है आया नहीं होगा, काली भेड़े हर लिहाज से कह रहा हूं मैं हर जगह होंगी। लेकिन व्हाट आई वांटेड टू से एट दैट टाइम वाज कि एक तो मैं चाहता था कि जो जो रेपुटेशन के ऊपर भी थोड़ा सा वो एक लगा हुआ है कि जी बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कंसीवेबल नहीं है, आसान नहीं है, सहल नहीं है, ये भी चेंज हो। तीसरा जो कल्चर था जिसके साथ हम कहते हैं कि जी जो कल्चर है वो बहुत आउटडेटेड है, बहुत अपटाइट है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है,
और ओपन टू चैलेंजेस और ओपन टू क्वेश्चनिंग है, यानी मैं इसको भी ला। हालांकि हमने मदारिस के अंदर हर किस्म की बहस की, अपने असातिज़ा से हर किस्म के मसले को सॉल्व कराया और उन्होंने हमें हर चीज समझाई भी है, लेकिन इमेज ये ब्रांड कर दिया जाता है कि भाई ये हर लिहाज से ही स्केप्टिकल थिंकिंग के खिलाफ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, कुरान की स्टार्ट ही टॉपिक ऑफ स्केप्टिसिज्म को ही डील कर रही है। वो और बात है कि हम शक को किस तरह लेते हैं वो एक और बात है, लेकिन शक ही पहला सब्जेक्ट है जिसको सूरह बकरा की पहली आयत ने एड्रेस किया। तो एक मैं इसको, फिर चौथा इसके एकेडेमिक, जो इसका एक एकेडेमिक ग्लांस था कि भाई ये हमारा इल्म है 1400 सालों का, ये हमारी रिसर्चेज हैं, ये इस टाइम पर बिल्डिंगों की बिल्ड, यूफ्रेटिस रिवर दरियाए फरात जो था वो काला कर दिया जब हलाकू खान ने आके हमारे इल्म के ऊपर बात की कि इतना इल्म उसने हमारा जाया किया। तो इतना जो हमने लिखा है ह्यूमन साइकोलॉजी, रिसोर्स मैनेजमेंट, पीपल्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपका जो है माइंड मैनेजमेंट, माइंड साइंसेस, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे ये आपकी मार्केटिंग, वो उसका क्या पर्सपेक्टिव उसके अंदर होगा, बात की बात है। फिर डिप्लोमेसीज क्या है, फिर गवर्नेंस के क्या उसूल हैं, फिर आपका सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने ये कमी देखी कि जी है सारा कुछ, किताबें भी बहुत लिखी हैं, उलूम भी बड़े हैं, लेकिन मार्केट नहीं होती कि जी दीनदार बेंच भी इन टॉपिक को एड्रेस कर सकती है। सियासत तो शरिया, तुमने आपने ही मुझे एक किताब दी थी ना आदिल भाई, जी 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 मैंने, एक तो 700 साल पहले लिखी है इमाम ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अभी भी एक लेटेस्ट आपने मुझे दिखाई कि इसमें क्या प्रिंसिपल है, किस तरीके से शरीयत सिस्टमैटिक होती है और जो है वो टेक्निकल होती है, और लोगों के साथ और इंटरनेशनल डिप्लोमेसीज कैसे देखी जाती है। इस लिहाज से भी मैं लाना चाहता था मार्केट के अंदर कि भाई ये चीज भी आए, फाइनेंशियल इशू भी जो है वो अहले इल्म का जो है वो एड्रेस किया जाए, और जो एकेडमिक उसकी जो एक स्ट्रेंथ है वो दिखाई जाए, और सबसे बड़ी बात ये जॉब्स मिले। अब मसला ये है कि एक जगह ही उसकी आखिरी जो बात है भाई, या वो मस्जिद का इमाम बनेगा या किसी रिसर्च हाउस के अंदर किसी PhD आलिम के साथ या किसी शेखुल हदीस के अंदर वो तखरीज के मैदान में जाएंगे, या वो फिर जो है तहकीक कर रहे होंगे, या कोई मुजल्ला होगा, या किस तरह चल रहा होगा। What I wanted to do was कि जी मैं ये कहता हूं कि जब आपने एक निजाम चलाना है तो एक उसकी मैथमेटिकल ग्राउंड्स है निजाम चलाने की और एक उसकी स्पिरिचुअल ग्राउंड्स है। तो पहली बात ये, मैथमेटिकल ग्राउंड्स तो आप ले लेते हैं गोरे से, चाहे आपने गवर्नमेंट चलानी हो, आपने हुकूमत चलानी हो, आपने कॉरपोरेट चलानी हो, आपने कंपनी चलानी हो, आपने SMEs चलानी हो, आपने घर चलाना हो, आप अपना घर और अपना सिस्टम और एक फैमिली और यूनिट और एक पूरी रियासत जो है वो मैथमेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो आप शंजू पढ़ लेते हैं, आर्ट ऑफ वॉर पढ़ लेंगे, या आप जो है वो मैकेविलियन को पढ़ लेते हैं, वो उसको जरदारी साहब भी बड़े शौक से पढ़ते हैं और भी बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैकेविलियन को तो आप ले लेते हैं, टोनी रॉबिन्स ले लेते हैं, आप जो है ये मैक्सवेल को ले लेते हैं, जिग ज़ैगलर को ले लेते हैं, अगरचे मेरा उनका इतना मुताला नहीं है, लेकिन जो क्योंकि हम एक सोसाइटी की एजुकेशन का पार्ट है तो हमें पता तो है नहीं जी वो क्या है क्या नहीं। तो यहाँ आप कम से कम रूहानियत को कम से कम हमसे लें कि आपने एक सिस्टम चलाना है तो आदमियों को अगर आपने मैथमेटिकली साउंड रखना है तो आपको स्पिरिचुअल साउंड रखने के लिए तो कम से कम एक आलिम दीन ही चाहिएगा ना। रूहानियत तो उनका सब्जेक्ट है जो तस्किया नफ्स है। फिर मैं ये चाहता था कि तस्किया नफ्स को छोड़ के, तस्किया नफ्स की तो डिमांड हर सिस्टम में होनी चाहिए, उसके अंदर आपको पूछना पड़ेगा तकब्बुर कैसे कम करूं लोगों में, औलाद में तकब्बुर है, औलाद में या कंपनी के एम्प्लॉयज में तकब्बुर है, या रियासत के अंदर मिनिस्टर्स के अंदर ये है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सबको एक सिस्टम चलाने के लिए लोगों के साइकोलॉजी को नॉर्मल करना है तो दीन तो प्ले करेगा उसके अंदर रोल अपना, तो वहां पर आलिम दीन की इस्तेमाल हो रहा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, जो शरीयत का टेक्निकल हिस्सा है जो हम बताते नहीं है या मार्केट नहीं करते और हमारा इमेज एक साधु की तरह बना हुआ है कि जी क्योंकि हम साधु हैं और हमारा काम ही नहीं है, और हम कहते हैं जी ये मुनाफ़कत है अगर थोड़ी सी डिप्लोमेसी या अपने उसूल के साथ टेक्निकल हो जाए और किसी जगह पर उसको जी बर्गर मुल्ला का नाम दे दिया जाए या और कह दिया जाए, मेरी नज़र के अंदर दिस इज रॉन्ग। शरीयत एक बहुत टेक्निकल चीज है, इंसानों को चलाने के लिए आई है। हम कहते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर भी आप हमसे लें, अगर उन्होंने रिसर्च की है बड़ी बात है भाई, वो माई बाप होंगे आज के दौर के, कंपनियां कॉरपोरेट गवर्नमेंट सिस्टम उन्हीं के नाम पर चल रहे हैं, हमने भी भाई थोड़ा सा कुछ किया, आप हमारा भी ले लें। तो ये भी मेरा स्कोप था कि मैं ह्यूमन रिसोर्स उसके अंदर आप देखें आपके जो है वो फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर, इकोनॉमिक फाइनेंस को लेके
अब जो है ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का कितना बड़ा काम हुआ, अब उसके अंदर जो उलमा का इख्तलाफ है, उनके साथ जो मामलात हैं जिससे वो उनके साथ नहीं सहमत, उसी की वजह से हर एक आलिम की जगह बनी ना, हर कॉर्पोरेट के अंदर शरिया कंप्लायंस के लिए एक बंदा रखा गया। अब शरिया एडवाइजिंग का उन्होंने आगे से रूट खोला, मतलब कम से कम HRM में शरिया एडवाइजिंग चाहिए हो तो हमारे मदारे से लोग तैयार होके और वो लैब्स के अंदर काम करेंगे तो होके फिर आपको HRM पूरा अपने अंदर अगर एक देखें तो एक आलम दीन आके सॉल्व करा सकता है। तो ये मेरा स्कोप था कि इनकी जॉब्स भी लगें, एक नई इंडस्ट्री खुले, और मैं ये ताज जरूर क्लेम करना चाहूंगा कि शरिया को कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या शरिया को सिस्टम के अंदर और शरिया को एक रियल टाइम प्रॉब्लम्स के अंदर एक सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करने में, जहां बड़े बड़े हलकों का और काम है वह हमने भी बड़ा इसके अंदर अल्लाह ने हमें तरक्की दी, हमने आप भी एक कंपनी में अभी हाल ही में ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमने उनको बताया कि जी आपके निजाम में शरी उसूलों के साथ, और कल जो मेरा लेक्चर था द मैनेजमेंट ऑन ग्राउंड मैनेजमेंट इन द स्ट्रेटेजिक पहलू ऑफ द प्रोफेटिक ट्रेडिशंस, हम उससे साबित कर सकते हैं कि जमीनी हकायक पर भी शरीयत में बहुत उसूल मौजूद हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरे टॉपिक है शरीयत के अंदर, ये है वर्क एथिक हो गई, लीडरशिप हो गई, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, ये सारा काम जो है हम आपको कुरान हदीस से साबित कर सकते हैं, तीन बर्रे आजम पे हमने राज किया है। ये स्कोप था, अगरचे उस वक्त जब हमने शुरू किया तो इंडस्ट्री भी नहीं थी, कोई नाम भी नहीं था। अच्छा, जो इससे जुड़े हुए अहले इल्म भी हैं या मदारिस, वो भी कबूल कर चुके हुए थे कि नहीं भाई हम यही अच्छे हैं, हम अपने मदारिस में अच्छे हैं, इसके अंदर जो है हमने बड़ी या मस्जिद के अंदर ही अच्छे हैं, इसके अंदर हमने बहुत स्कोप आउट बनाया लोगों की जॉब्स के लिहाज से, लोगों को एप्लीकेशन के लिहाज से, और हमारे बहुत से लोग हैं वो हल्के के अंदर बहुत काम भी कर रहे हैं, और ये हमारा सदका जारिया भी, और उनकी जिंदगियां भी बेहतर हुई, इस्लाम का एक प्रैक्टिकल पहलू हमने दिखाया है लोगों को, भाई ये भी चीज है, इसमें भी आप आ सकते। ठीक है, अब लास्ट में एक और टॉपिक की तरफ जाऊंगा फिर इंशाल्लाह जो है, क्योंकि मगरब का वक्त तकरीबन होने लगा है, वो बात ये थी कि वी नॉट टेकिंग द क्वेश्चन आंसर, देयर अराउंड 100 टू 150 क्वेश्चंस व्हाट टू डू, मेरे सबको इल्तिमास यही है कि आप ज्वाइनिंग करें, आप आए, आप पहला सेमेस्टर तो कम से कम एक फ्लेवर लें ताकि आपको पता तो चले कि जी हम बात क्या कर रहे हैं, आप रिस्क तो लें, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करें, ऐसी डिस्कशन कर रहा हूं कि ताकि उनके सवाल उसके अंदर इनका पास हो जाए। This is the real deal they need to do. This is the real thing I'm inviting them. कि ये आके पढ़े, चार महीने के बाद एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है तो इतनी बेस तो बन जाएगी ना कि आप हिल जाएंगे कि है क्या अंदर से ये। मुझे कराची के अंदर याद है कि स्टूडेंट थे हमारे गालिबन उबैद नाम था, क्या नाम था, तो वो उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सफा से पहले उनका एक बिजनेस भी नहीं चलता था, कहते सफा पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ताला ने इतना दिमाग खोला उनका, हालांकि पढ़ने कुरान हदीस आए थे, आपको पता होना वो आपने जो गुड मुस्लिम जो सिलेबस रखा हुआ ना वो अच्छा है भाई, ये वाला भी ऐड कराए ना उसके अंदर, आपको खुद सीखेंगे तो आप मैं ये नहीं कहता कि अपने स्कूलों के करिकुलम अपने यूनिवर्सिटियों के करिकुलम आप हमसे ही करवाएं, आप हमसे ये पढ़ेंगे तो आपको खुद आ जाएगा भाई ये माइनस करना ये प्लस करना, जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो हमें खुद उसके साथ आ गया करना, हमें खुद उसके साथ हमने आगे पीछे किया, तो आप भी इधर से लेके अपने अपने इदारों अपनी यूनिवर्सिटियों अपने सिस्टम्स अपनी कॉर्पोरेट्स अपनी कंपनीज अपने घर में उन उसूलों के साथ आगे पीछे करते रहें, करिकुलम खुद बनाते रहें, और इस तरह एक चीज फैलती जाएगी। अब आप कहें जी ये सारा काम मदारिस ने आके करना है तो भाई जान आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी टू हेक्टिक ऑन देम एंड दिस इज नॉट इवन प्रैक्टिकल, रादर इट इज फार मोर बायस्ड आई वुड से। जहाँ तक अच्छा मैं आगे लेकर चलता हूँ इसको, जहाँ तक बात है हमारे अभी करंट जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं उसमें डॉक्टर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, माशाल्लाह इंजीनियर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, फैमिली ओरिएंटेड लोग भी हैं जो चार चार बच्चे जिनके हो चुके हैं अपनी फैमिलीज के साथ वो आगे कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो मेरा सबको मैसेज यहाँ से यही है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आएंगे और आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा और आप जो है कैचअप ही नहीं कर पाएंगे, कोई बड़े ही आसमानों से ऊपर की बात हो रही है। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने अभी तक देखा है इतने सालों के अंदर, जिनके पास दुनियावी बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने दुनियावी लिहाज से कुछ पढ़ा होता है, वो ज्यादा तेज होते हैं इन चीजों को पिक करने के अंदर, बिकॉज ये कोर्स का करिकुलम उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक विरासत का कोर्स है जो मदारिस के अंदर बड़ा मुश्किल समझा जाता है। आप अरसलान भाई से पूछे ना कि जी वो आए भी पढ़े भी अब हेड कर रहे हैं लीड कर रहे हैं, अरसलान भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, मैं उनकी अरसलान भाई वो बताएं यहाँ पर हम। चलें, जज़ाकअल्लाह खैर अदील भाई। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में सिर्फ एक बात ये थी कि मैंने एक इनिशिएटिव लेना है। हाँ, ख्यालात बहुत सारे थे कि शायद मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा,
इतनी डिफिकल्ट चीज होगी, कम्युनिकेशन बैरियर होगा, शायद बात समझ में आए भी ना आए, लेकिन जब मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, जब मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया और जो फर्स्ट सेमेस्टर जो बेसिकली जो मैंने पढ़ा, तो मुझे यकीन जाने चीजें बहुत क्लियर थी, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड थी। और बाकी जो एक कम्युनिकेशन जो बैरियर होता है ना यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा जो ख्याल रखा जाता है हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग में भी, कि जब तक आप स्टूडेंट्स को उस तरीके से चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाते जिस तरह उनके मिजाज के तहत, उनकी लैंग्वेज में और उनके अंदाज में, तब तक आप इस चीज को हमारे एटलीस्ट जो हमारा क्राइटेरिया पढ़ाने का जो हमें ट्रेन किया गया, उसकी बेसिक्स ही यही है कि जब तक आप कन्वे नहीं कर सकते अपना मैसेज, हम पढ़ा नहीं सकते। तो मैं यही मैसेज दूंगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और सफा में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो अंदाजा हो गया होगा कि आपको एटलीस्ट ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी और ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन होगा कि आपको चीज समझ में नहीं आ सकती, बहुत टफ होगी, इट्स टू ईजी, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और कोई भी इंशाल्लाह कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सफर मैंने भी स्टार्ट किया था, आपसे भी दुआ, आप भी स्टार्ट करें इसको, और आहिस्ता आहिस्ता फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मुझे याद है व्हेन आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर और मेरे कुछ रिजल्ट देखे, मैं वकी भाई की क्लास में था, तो आई थिंक अरबिक ग्रामर की वो एक तफसीर थी सूरह इब्राहिम की जो शरह लेकर आए थे वकी भाई, और उसमें शेख आतिफ भी आए थे उस क्लास में, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जो है ना ये थोड़ा सा पढ़ के दिखाएं अरबिक में, तो मुझे भी अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं कि शायद मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ, तो मैंने उसको बहुत ही आसानी से पढ़ा। तो फिर शेख आतिफ ने मुझको कहा कि आप पढ़ाना चाहेंगे अरबिक, सो दैट वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इस कोर्स को करने के बाद, और फिर मैंने एक स्टार्ट लिया पढ़ने से पढ़ाने की तरफ। और शेख आतिफ की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, एक जो हदीस वो सुनाते हैं, अल इल्म बिताल्लुक वल हिल्म बिताल्लुक, कि इल्म जो है वो पढ़ाने से आता है। मैं बोला चले पढ़ने का तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया, जरा पढ़ा के देखते हैं, तो वाकई पढ़ाना भी बहुत ही सिंपल था। हाँ शुरू में थोड़ा सा टफ था। मैं ये कहता हूँ अरसलान साहब, मैं ये कहता हूँ कि इल्म पढ़ा के ही पक्का होता है, इल्म पढ़ के नहीं पक्का होता। एग्जैक्टली, और शगिर्द इंसान को, उस्ताद को सही उस्ताद बनाता है, शगिर्द पाएगा। और तीसरी बात मैं यहाँ पर एक क्लियर और कर दूं वकील साहब और अदील साहब के, हम फीस के हवाले से भी बात करते हैं जी, बहुत लोगों का होगा यार आप पैसे चाह, भाईजान मैं इस पूरे मिद्रार का सिस्टम ही मैंने इस तरह बनाया था कि इसके एक तो ये था कि मैं डोमेन्स बहुत ज्यादा कॉन्कर करना चाहता था कि जी आप हमें लिमिट नहीं करें। एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है वो तो कुछ लोग कहते हैं जी आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम पहले आपको बता दें कि हमारा दरस निजामी असल है, हम असल जो है इल्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, ये तो बाद में ब्रांच आउट भी साथ में खुल गई, वो तो यूनिवर्सिटियां बुलाती थी, वो मशहूर हो गई तकरीरें। एक तो हम चाहते हैं कि जी ये जो बैठा हुआ असासा है ये हर डोमेन क्लेम करेगा, क्यों नहीं क्लेम करेगा वो, वो शेख साहब वो मोटिवेशन भी कुरान हदीस से निकली भी है, वो भी वहां असल में हम वहां रिसर्च करते थे तो फिर लेके आए हम वहां। अभी आपने पूरा अदील साहब पूरा HRM बनाया है, बकी साहब ने भी मेरे ख्याल से कोई एक कोर्स बीच में बनाया था और उसके ऊपर जो है जैसे ये आर्ट ऑफ ये जर्नलिज्म जो है ये हम शरीय से भी साबित कर सकते हैं, उसूल हदीस में से क्या जर्नलिज्म के उसूल नहीं निकल सकते आज नहीं है। तो अब मसला ये था कि मैं एक रिलीजियस सिस्टम को जकात से आजाद कराना चाहता था, आज मैं क्लियर कर दूं कौन के आगे। रीजन ये था कि भाई मैं नहीं चाहता था कि क्योंकि इस चीज के तहत, हालांकि ऐसा नहीं, तो हम जब शुरुआत में हर इदारा काम करता है जी उन्हें मांगना पड़ता है, तो आप देख लें मिद्रार की किसी भी जगह पर पब्लिक पब्लिक चैरिटी नहीं हम मांगते, क्योंकि हमें अपनी इज्जतों की भी बड़ी परवाह है ना भाई, हम इसको गलत नहीं कहते लेकिन हम अपने माशरे को तो समझते हैं ना कि आपके बात में टैका तब होगा ना जब आप लोगों के आगे भीख नहीं मांग रहे होंगे तो, और क्योंकि माशरा इस तरीके से आपकी तजलील कर रहा होता है, तो मैं उस वक्त उसको आजाद कराना चाहता था। तो क्या करता उस वक्त जब हम अपने कोर्सेज भी बनाते थे तो लोग 70-70 हज़ार रुपए पे कर देते हैं एक फजूल के कोर्स के लिए जो इधर उधर कहीं हो रहा होगा मैनेजमेंट का, और हम इतनी ये डीपर डेप्थ की नॉलेज बता रहे हैं इंसान को एक इमाम बनाने के लिए, एहसान के दर्जे पे ले जाने के लिए, अंताबुद अल्लाह करना, तो उसके लिए बहरहाल दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। कि एक हमारा चैलेंज ये भी था कि हम इस्लामिक एकेडेमिक्स को मॉडर्न डे एकेडेमिक्स के मुकाबले में इतना साउंड और स्ट्रॉन्ग और इतना एप्लीकेबल और रिलायबल रेप्लीकेबल बनाए कि लोग खुल के दें इसको, ताकि सिस्टम अपने अंदर खुद सेल्फ सस्टेनेबल बन सके और ये मॉडल आगे जाए। और इसमें हमने कामयाबी भी बड़ी हासिल की, लोग आए, लोगों ने हमें दिखाई, किसी ने हमें तंग नहीं किया, वो और बात है उसमें फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट वगैरह एक पूरा सिस्टम होंगे। हम एक इस सिस्टम को मेन कोर एजुकेशन के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं, हम उस एजुकेशन के खिलाफ भी नहीं है जो 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 मेन सेकुलर एजुकेशन है या जो मेन रियल टाइम एजुकेशन है, मगर हम इसके ब्लेंड के साथ
इसके इम्तिजाज के साथ भी आना चाहते हैं और इसके अंदर भी हम इतना बनाना चाहते हैं कि वो कवर हो जाए इसी के अंदर ही। तो एक उस्ताद एक किताब पढ़ाते हुए चार उलूम खोलते हैं वहां पर, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू, कि वो कराते कराते चार उलूम करते, तो सारे उलूम जब एक सब्जेक्ट में हो जाएंगे तो सिलेबस और कंसाइज हो जाएगा हमारे बैचलर्स का और हमारे स्कूल सिस्टम का। इस पर एक लंबी डिस्कशन है, कभी करेंगे एजुकेशनिस्ट के साथ जो हमारा ताल्लुक है रहता है कि करिकुलम के साथ कैसे खेलकूद करनी पड़ती है बनाने के लिए। तो दिस वाज अ लिटिल थिंग आई आल्सो वांटेड टू क्लियर टू द पीपल। इंशाल्लाह। अच्छा, इस पे बस समरी जो है जो मैं लोगों को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ हमारे पूरी ओवरऑल डिस्कशन के बाद, वो ये है कि हमारा जो मॉडल है वो ये है कि दुनियावी लिहाज से लोग इतना पढ़े हुए हैं या ऑलरेडी दीनी लिहाज इतना पढ़े हुए हैं, हम उनको जो उनके अंदर मिसिंग एलिमेंट है चाहे वो दीनी लिहाज से हो, दुनियावी लिहाज से तो वो कवर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह से, दीनी लिहाज से जो है वो हम उसको जो है इनहांस करें। और एक ऐसा मॉडल हमारे सामने आया कि एक बंदा जो है वो अगर किसी बड़ी कंपनी का MD भी है तो उसने दरअसल अभी अगर नहीं भी किया हुआ लेकिन वो बात वो उस लेवल की समझ सकता है, बात कर सकता है, इन हलकों के अंदर ये डिस्कशंस का आगाज हो जाएगा कि जो मदारिस के अंदर की जाती हैं उलमा के दरमियान, यानी कम से कम वो कनेक्ट कर सकता है और उलमा के साथ कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब HR अगर मैनेजर है किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, उसने भले दरस निजामी पूरा नहीं किया हुआ लेकिन अगर उसने असफा किया हुआ है तो वो कुरान हदीस के वो उसूल पहचान सकता है जो वो HR के अंदर अप्लाई कर रहा होगा, या फिर वो कुरान हदीस से वो खुद निकाल सकता है जो उसने पढ़ा। आप यहाँ पर कौम को एक एग्जांपल देना कि HR का एक इशू जो है वो शरीयत से साबित करके दिखाएं। आप अदील साहब आपने जो अगर रिसर्च किया बताएं लोगों को। अभी 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 परसों की बात है, मैं किसी को बता ही रहा था ये आप ही का उसूल, तो आपके शागिर्द हैं। इस पर मैं वकील साहब को भी दावत दूंगा, वो भी अपना रिसर्च रखें रियल टाइम इश्यूज के लिहाज से। आप भी रखें फिर मैं भी कुछ रखता हूं। वो तो सारे उसूल आप, हाँ नहीं नहीं, आप पहले अदील साहब शुरू करें फिर वकील साहब शुरू करें, और अगर अरसलान के पास भी कोई इस्तदलाल है तो डेफिनेट। शेख साहब पहले तो गुस्ताखी माफ जितने भी होंगे आप ही से लिए होंगे, आपके शागिर्द हैं। नहीं, आप अपनी रिसर्च पेश करें, आप हो गए उस्ताद बन चुके हैं, आप आगे चले। वो एक उसूल हम दे दें रिक्रूटमेंट का, HR का एक बड़ा जो है वो प्रिंसिपल है, रिक्रूटमेंट बड़ा टॉपिक है सेक्शन है, कि किसी बंदे को हायर करने के लिए उसकी कॉम्पिटेंसी देखी जाए या लॉयल्टी देखी जाए। कुरान हदीस के अंदर इस पे काफी केसेस मौजूद हैं, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया शुएब अलैहिस्सलाम के साथ जो है, जब उनकी बेटी ने कहा अपने बाप को शुएब अलैहिस्सलाम को, इन खैरा मन इस्तअजरता मन हुआ, इन खैरा मन इस्तअजरता अल-कवी-उल-अमीन, के सबसे बेहतरीन जिसको आप एम्प्लॉय कर सकते हैं वो क्या है, वो कवि है और अमीन है। सो कवि गोज फॉर द कवि गोज फॉर द फिजिकल थिंग द कॉम्पिटेंसी थिंग एंड अमीन गोज फॉर द एब्स्ट्रैक्ट इंटेंजिबल थिंग द लॉयल्टी थिंग, के एक सिंसेरिटी एंड लॉयल्टी एंड विद द फिजिकल यू नो पावर जो उसके पास है। फिर काफी स्पेसिफिकेशन खुल जाएंगे लेकिन बड़े मैटर है कि कुवा एंड अमाना, एक सिंसेरिटी का लेवल हो और एक कुवा उसके अंदर, तो सबसे टॉप नॉच रिक्रूटमेंट यही होती है, जबरदस्त देखने की। और ये केस अभी, और एक इसमें एक चीज, अच्छा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन था अभी करंटली, मैंने उसमें देखा था ब्लूम्सबर्ग के अंदर ये आ रहा था टॉपिक, उसके अंदर टॉपिक ये था, वो कह रहे थे कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी या जो है सिंसेरिटी देखी जाएगी किसी ओहदे पे फाइज करने के लिए, यानी करप्शन करप्ट ना हो। ये ब्लूमबर्ग में चल रही थी, ब्लूमबर्ग जी जी, अगर उस वो करप्ट ना हो ये बेहतर है या कॉम्पिटेंट हो और करप्ट हो, इनकॉम्पिटेंट विद सिंसेर, इनकॉम्पिटेंट लॉयल या फिर कॉम्पिटेंट करप्ट, आप किसको बता देंगे? कॉम्पिटेंट डिसलॉयल, या मतलब चार निकलेंगे ना इसमें से, कुरान में जब भी दो आते हैं तो चार निकलते हैं ना, लॉयल दो तो हमने फारिग कर दी ना, पहले कर देंगे ना। वो कह रहे थे भाई असल बात यही है, असल यही है क्या आप बताएं, एक बंदा करप्ट नहीं है लेकिन काम भी नहीं आता, एक बंदे को काम आता है लेकिन खांजे बाज बहुत है, क्या करेंगे? इसमें खैर शर का मुआवजना करना पड़ेगा कि कुआ बड़ा है, ये सब्जेक्टिव भी बहुत हो जाएगा आगे ले। तो उसमें हमारा जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर है ना, कुछ जॉब्स ऐसी हैं, वो उन कैटेगरी ऐसी होती है जब आपको लॉयल्टी चाहिए होती है, सिक्योरिटी गार्ड में कॉम्पिटेंट जरूरी, कॉम्पिटेंट तो है लेकिन कभी भी आप डिसलॉयल नहीं रख सकते सिक्योरिटी के अंदर, अगर चाहे दूसरी इनकॉम्पिटेंसी भी। इसी तरीके से आप देख लें फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए कुरान के अंदर आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ट्रेजरी के लिए कि इन्नी हफीजुन अलीम, मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ, यानी मेरा डिजायर बेस्ड ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको संभाल सकता हूँ। हाँ। अलीम, मैं टेक्निकल भी जानता हूँ कि पैसे को और माल को इस्तेमाल कैसे करें।
तो ये कहते हैं जी ये दो मैक्रो फिर उसमें काफी खुल जाएगा। वकील साहब आप कुछ देना चाहते हैं आप भी बताएं कौन। अच्छा अभी रिसेंटली मैं एक कंपनी में बैठा हुआ था उसके सीईओ के साथ, तो टीम बिल्डिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो पाकिस्तान में एक मिजाज है कि सोलो प्लेयर्स इस तरह होते हैं ना, मतलब अकेले करेंगे सारे काम और अकेले कर करके अकेले पूरी है ना उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट बनानी है, अकेले उन्होंने पूरे अपना एम्पायर बनाना है। तो मैंने उनको अपना एक इस्तदलाल बड़ा प्यारा पेश किया, मैंने कहा कभी आप जो ना सूरह इखलास के ऊपर फोकस करें तो अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी चीजें समझाई है। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला ने अहद बोल के अपनी शान बयान किया। तो मैंने कहा इस सूरत के अंदर जितना भी उसका वाइस वर्सा निकालेंगे वो इंसान की शान बनेगा, मतलब इसका जो भी ऑपोजिट बनेगा मतलब इंसान का अकेला होना उसकी शान के खिलाफ है, बल्कि एक तरीके से उसके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस भी पड़ेगा। अल्लाह का अकेला होना ये उसकी शान है बहुत बड़ी। तो मैंने कहा अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर आपको जो है ना पूरा टीम बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि मैं अकेला हूं और मैं चला सकता हूं। मैंने आप नहीं चला सकते, आपको टीम चाहिए। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा संवाद है ये मेरे ख्याल से, अल्हम्दुलिल्लाह गुड वन। अल्लाह समाद है, अल्लाह बेनियाज है, इंसान बेनियाजी क्लेम करेगा फंस जाएगा, फंस जाएगा। सही नहीं, अल्लाह तो कहता है इंसान के अंदर यार, अल्लाह तो फरमाता है कुरान में मतलब अल्लाह की औलाद ना कोई पैदा हुआ ना वो पैदा हुआ, लेकिन इंसान के लिए सारी क्या चीजें शान वाली है उसकी औलाद। या जो अन्नास अंतमुल फुकरा इल्लाह, फकीरी इंसान में हो तो उसमें कमाल है अल्लाह की तरफ, अल्लाह के अंदर जो है वो बेनियाजी जो है वो उसका कमाल है। बंदा बेनियाजी का दावा कर दे खुद सेल्फ सफिशिएंसी का, ये नक्स है उसके अंदर। और अगर अल्लाह मोहताजी का दावा, अगर अल्लाह पर ये रखेंगे तो ये उसके लिहाज से नक्स हो। कितने गहरे गहरे मफहूम है कुरान हदीस में जो ऐसे ऐसे फलसफे खोल सकते हैं, लेकिन बैठे हम लोगों को हमने इतना वक्त जाया कर दिया। तो यही सिस्टम हम सफा के थ्रू लाए थे कि भाई आए बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बाय जॉइनिंग द डीपर इस्लामिक साइंसेज इन द शरिया कोर्सेज। अगर अरसलान साहब का भी कोई अपना रिसर्च, अरसलान भाई आप जो है सफा का सारा भी वो बता दें कि सफा कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या टाइमिंग्स हैं और क्या क्या कोर्सेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ताकि वो अभी सुन लें उनके सवाल आता है नीचे, और सर्टिफिकेट के हवाले से ही बता दें। असफा स्टार्ट हो रहा है 3rd of July से, जो कि फ्राइडे का दिन है। इंशाल्लाह हमारी क्लासेस होंगी 7:30 से 8:30 पहली क्लास होगी, फिर उसके बाद 9 से 10 दूसरी क्लास होगी, और 3 दिन हमारी क्लासें होंगी फ्राइडे सैटरडे संडे एवरी वीक, और ये चलेंगी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स यानी के। और इसमें 14 courses पढ़ाए जाते हैं सेमिस्टर वाइज, 5 courses हैं फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, जो बेसिक कोर्सेज हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वो अकीदा उलूहियत है और रुबूबियत है। उसके अलावा उसूल फिक पढ़ाया जाता है जिसमें आपको दीन जूरिस्प्रूडेंस वगैरह आप उसमें देखेंगे दीन की जो गहराई होती है। तीसरा हम हदीस से रिलेटेड पढ़ाते हैं जिसे हम उसूल हदीस कहते हैं कि अगर हदीस सही है तो सही क्यों है, अगर ज़ईफ़ है तो ज़ईफ़ क्यों है, फिर सही है तो सही की कौन सी किस्म है, लिज़ाती है लिग़ैरी है, हसन है तो हसन लिज़ाती लिग़ैरी है, ये सब आप उसूल हदीस में सीखेंगे ताकि आपको हदीस की तहकीक आ जाए। चौथी जो चीज़ है वो अरबिक ग्रामर है, अरबिक ग्रामर जो नहव सर्फ होती है अरबिक के अंदर, कि अल्लाह ताला ने नाबुदू का क्यों नहीं बोला, इया का नाबुदू क्यों बोला है। ये तो आपने सुना होगा कि जे जबर पेश से तो मायने चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक नई चीज मैं आपको ये बता दूं, वर्ड्स की सीक्वेंस चेंज करने के साथ भी मायने चेंज हो जाते हैं, कि एक चीज पहले आनी थी वो बाद में आ जाए, एक चीज बाद में आनी थी वो पहले आ जाए, तो इससे भी मायनों में फर्क पड़ता है। ये कुरान की एक बहुत जबरदस्त एक बात है अरबिक लैंग्वेज की। और पांचवा जो हमारा कोर्स होता है फर्स्ट सेमिस्टर के अंदर, वो आपका टोटल नमाज से रिलेटेड, जिसे हम फिकुस सलात कहते हैं, कि नमाज के अंदर जितने भी क्या कहते हैं इशूज हैं या नमाज से मुतालिक जितने भी सवालात हैं आपके, और जो हमने चारों जो उसूल पढ़े हैं ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें उस कोर्स के अंदर फिकुस सलात के अंदर। तो ये 5 basic कोर्सेज होते हैं हमारे असफा के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। फिर आप सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, फिर हम उसमें आपको हदीसों की किताब और कुरान की तफासीर पे लेके जाते हैं, और फिर मुख्तलिफ कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के उसूल फिकुल बुयू हम पढ़ाते हैं, इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम जो है हमारा, और उसके अलावा दूसरे अकायद होते हैं। और फिर ये 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको इंशाल्लाह एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका एक नेक्स्ट लेवल होता है जिसमें हम सारी अरबिक कुतुब पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं अल कुदवा। तो बहरहाल द बेसिक और जो एग्जीक्यूटेबल चीज है वो फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसमें एक लास्ट बात जो है वो नीचे से सवालात काफी आ रहे हैं लोगों के, वो ही मकतब है फिकर इख्तलाफात, तो उनके लिए मेरा आसान सा जवाब ये है, देखें जी इंशाल्लाह यू विल फाइंड अस ऑल द टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स
कि जो इख्तलाफात को के बेस पे बायसनेस नहीं रखेंगे आपके साथ, बल्कि विल ट्राई टू सॉल्व आउट दिस बिल, और जरूरी नहीं है कि मैं आपको कोई इन्फोर्स करूं या आप मुझे इन्फोर्स करें। एक ओपन फोरम के ऊपर हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, एकेडेमिक्स के लोग हैं, आपको कभी भी, मेरा छोटा जवाब भी, आपको कभी भी दो इल्म वाले आपस में लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, हमेशा वो लोग। मेरा एक्सपर्ट ये है भाई, मैं भी तो बाहर पढ़ने गया था ना, मैंने उनका कितना गंद बर्दाश्त किया अपना खैर लेने के लिए। जी जी, तो मैं ये कहता हूँ इल्म हासिल करने के लिए आप कहीं पर भी जाना हो आपको, तो उसका जो आप अव्वल तो सबसे बड़ी बात है, हमने कोई बायस्ड बात ना की है ना करेंगे, क्योंकि दीन के अंदर बायस्ड बातें हैं ही नहीं। दीन में कभी बायस्ड बातें नहीं है, दीन उसका बहुत बड़ा पहलू ऐसा है जो सब उससे एग्री करते हैं। हमारे आयरनी ये हो गई कि जो एक इख्तलाफी पहलू था भी, या जो एक डिसएग्रीमेंट भी था और बड़ा सॉलिड डिसएग्रीमेंट है, वो हाईलाइट इतना ज्यादा हो चुका है कि इतनी बड़ी चीज दिखती नहीं है लोगों को। जो दीन ने लोगों की जिंदगियों में बेहतरी करनी होती है, जो रिलीजियस शरिया साइंसेज ने बेहतरी करनी होती है, तो परेशान ना हो, अगर कुछ होगा भी सही तो अल्लाह से दुआ करके आइएगा, अल्लाह मुझे हक दिखाएं। मैं युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिह। बाकी हम सिस्टम में हर जगह रहते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, हर 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 अच्छे को सुनते हैं, बुरे को सुनते हैं, तो थोड़ा यहाँ भी सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई मसले की बात थोड़ी है। अल्लाह ताला आसानी करें, आप हमें सुन रहे हैं, अब हमें जानते हैं, आपको पता है इंशाल्लाह ताला क्या चल रहा है क्या नहीं। चलें जी, मेरे ख्याल से मगरिब का वक्त हुआ चला जाता है। दैट वाज ऑल फॉर द ओरिएंटेशन ओपन डे सेशन ऑफ असफा, और जितने भी आपके सवाल आते हैं आई विल ट्राई टू आंसर देम वीया वीडियो लिंक और विद मैसेजेस, आपको रिप्लाई कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह, कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। वी आर वेरी थैंकफुल, जजाकअल्लाह खैर शेख आतिफ फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम for the students of upcoming program, Ustaz Arsalan, Ustaz Waqi. It was, inshallah, beneficial for all of us. Inshallah, hum naye students se zarur mulaqat karenge, purane walon se bhi karenge. Allah Ta'ala hamare ilm, hamare amal, hamari umar, hamare maal, hamari izzat, sab mein barkatein ata farmaye. Allah Ta'ala hame ilm pe amal karne ki taufeeq ata farmaye, ikhlas ki neimat se nawaze, aur Allah Ta'ala hame aise log de जो इस उम्मत के फायदे का काम करें, हमें दीन दुनिया दोनों में आगे लेके जाएं। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।